दोनों पक्ष अपना अपना मत प्रस्तुत करेंगे और हम सभी विचार करेंगे। वह अंत में प्रश्न भी होंगे, जिसका जो प्रश्न हो एक दूसरे से कर सकते हैं। जी तो शुरू करते हैं। जी, क्या सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आ रही है। जी, तो हम हिरण्यगर्भ सूक्त का पाठ करेंगे, उसके बाद अपनी चर्चा का आरंभ करेंगे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतियेक आसीत् सैदाधार पृथ्वीं द्यामूर्तिमाम कस्मै देवाय हविषा विदेम। ओम यह आत्मदा बलदायस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदेम। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वा एकः इतराजा जगतो बभूव यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसिया सह आहु यस्य इमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विदेम। ओम ये नद्यो उग्र पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्ति भवितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विदेम। ओम यम कंदसी अवसातस्त भाने अभियेक्षेताम मनसारे जमाने यतदिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम आप हयत बहति विश्वायन गर्भम दधाना जनयन्ति अग्ने ततो देवानां सम अवर्तत असु एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यह चित आप महिना पर्य पश्यत दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञम् यो देवेषु अधिदेवः एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओं मान्तु हिंसीत जनिताय पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यह चे अपहचन्द्र वहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वत्येतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामाते जुहुं ततनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीनाम। ओम खम्ब्रम, सभी को सादर प्रणाम। मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। तो सभी पक्ष अपनी अपनी वार्ता को रखें, अपना अपना पक्ष रखें। शांतिपूर्ण व तर्कपूर्ण ही चर्चा मान्य होगी। किसी प्रकार की बहसबाजी और अन्य अतार्किक कोई भी चीज कक्षा में मान्य नहीं होगी। तो आप सभी का स्वागत है, वह कक्षा को प्रारंभ किया जाए। हमारे मुख्य विषय, जैसे हमने स्पष्ट किए थे, कि एक तो जो अलग अलग गणनाएं हैं वैदिक पंचांग की और वर्तमान पंचांग की, इनको हमको इन पे डिस्कस करना है। दूसरा, मकर संक्रांति कब मनाई जाए, नव वर्ष कब से माना जाए। कोई चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से मानता है, कोई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मानता है। इसके अलावा दीपावली व अन्य त्योहार अलग अलग उसमें अलग अलग पंचांग में अलग अलग मनाए जा रहे हैं, तो हमें इस पर स्पष्टीकरण करना है, लोगों की भ्रांतियां दूर हो। तो हम स्वागत करते हैं, कोई भी पक्ष अपना मत रखे, हम सभी को शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे। बीच में कोई भी नहीं अपना माइक अनम्यूट करेगा, बाद में प्रश्न काल होगा तब अपना प्रश्न कर सकेंगे। जी, धन्यवाद।
सबसे पहले तो पुलकित जी को सुंदर वेद पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और मेरा निवेदन यही है कि चर्चा चलती रहेगी, ये विराम ना हो, कोई ना कोई जिसको जो भी कहना है ने संकोच भाव से बोले, तो शुभारंभ ही मान ले। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि कोई भी भारतीय पंचांग काल गणना पूरी तरह प्राकृतिक है, प्रकृति पर आधारित है। वर्ष में चार बिंदु हैं, दो अयन और दो संपात। दो संपात बिंदु शरद संपात, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, ये बसंत ऋतु में आता है तो बसंत संपात कहलाता है। बसंत ऋतु में जब दिन और रात्रि मान बराबर होंगे, जितना दिन उतने ही रात्रि, तो ये जब ये बसंत ऋतु में आता है तो बसंत संपात कहलाता है। उसी प्रकार से शरद ऋतु में भी एक बार यह स्थिति आती है, जब दिन और रात्रि का मान समान हो जाता है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर होता है। तो ये सबसे मानक बिंदु हैं, और जो भी पंचांग बने वो इन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त दो अयन हैं, उत्तरायण में सूर्य की गति उत्तर की ओर आरंभ होती है तो उत्तरायण कहलाता है, अर्थात सूर्य अपने दक्षिण में अधिकतम बिंदु तक जा चुका होता है। दक्षिण के अधिकतम बिंदु पर जब सूर्य होता है तब वह उत्तर की ओर गति उसकी प्रारंभ होती है, इसे उत्तरायण कहते हैं। तो उत्तर गोलार्ध में उस दिन दिन सबसे छोटा होता है, रात्रि सबसे बड़ी होती है, और दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, रात्रि सबसे छोटी होती है। इसी प्रकार से दक्षिणायन होता है तो सूर्य उत्तर में अधिकतम बिंदु तक आ चुका होता है, उस दिन उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात्रि सबसे छोटी होती है। दक्षिण में इसी प्रकार से दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। तो ये चार प्राकृतिक बिंदु हैं, वर्ष में चार ये दिन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सबको स्पष्ट गोचर होते हैं। इसके लिए किसी को ज्योतिष पंचांग आदि की कोई बहुत गहन जानकारी की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से ये हमारे सभी युवा विद्यार्थी जो वेद वेदांग ज्योतिष आदि से अपरिचित हैं वो भी इस बात को सहजता से समझ पा रहे हैं। तो ये चार मुख्य बिंदु हैं, इसके आधार पर पंचांग तैयार किया जाए तो वह तर्क संगत और प्राकृतिक होगा, ऐसा हम लोगों का एक विचार मत है। और अन्य लोग जो भी उनका विचार हो रखें, प्रयास करें विराम ना हो और ऐसे ही स्वस्थ तर्क संगत चर्चा चलती रहे। ओम। नंदन जी, आप वैदिक पंचांग की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? वे आपके अन्य साथी जुड़े हों उनसे परिचय कराएं, वे उनका स्वागत है, कुछ वार्ता रखें, अपना मत रखें। इस समय मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई जिनको मैंने संदेश भेजा है वो जुड़ा है, क्योंकि मेरे पास तो 13 आदर्श हैं और 6 हम लोग फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। विश्वामित्र जी जुड़े हैं, शायद आप पूछिए। विभू जी, क्या आप हैं मीटिंग में बैठे हुए हैं? नहीं, उनका जवाब मिल रहा है जी, तो आप अपना मत रखिए, वे जुड़ेंगे जब तो अपना मत रखें। हमारा मत तो यही है जो स्वामी जी ने कह दिया है, यही जो चार आधारभूत बिंदु हैं संपातों के और अयनों के, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर पंचांग का निर्माण आधारित होता है, और इसी से सारी गणनाएं अपना आगे चलती रहती हैं, और इसी के आधार पर पंचांग की शुद्धता को हम परख भी सकते हैं। ओम।
जी जी स्वामी जी बोलिए, क्या बोल रहे? नहीं नहीं मैं यही कह रहा था कि चर्चा चलती रहे, विराम क्यों हो रहा है, दूसरा पक्ष हो या कोई पक्ष हो बोले तो कुछ तो बात होती रहे। जी जिनसे 11:30 बजे तक जुड़ेंगे, इतने मेरी उनसे कुछ बात हुई थी तो मैं उनका पक्ष रख देता हूँ, इतने आप कोशिश कीजिएगा उनका उत्तर जब ही दें जब वो जुड़ जाएं, लेकिन मैं इतने उनका पक्ष देता हूँ, और अन्य किसी की बात हो तो वो रख सकते हैं। उनका पक्ष ये था कि जो मकर संक्रांति है, जो दूसरा पक्ष है, जो वैदिक पक्ष है, वो ये कह रहा है कि मकर संक्रांति जब होती है जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो इसको उन्होंने मकर संक्रांति कहा। जबकि गोविंद जी का पक्ष ये था कि संक्रांति का अर्थ यही है कि सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश करना, तो जिस प्रकार जब वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है सूर्य, तो उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, उसमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, वह ये 14 या 15 जनवरी के आसपास ही होती है, और इसका जैसे वो बता रहे हैं कि कुछ वर्षों में मान बढ़ता रहता है, एक समय पर यह उत्तरायण के साथ ही होती थी, लेकिन अभी यह शिफ्ट हो चुकी है। उन्होंने एक पक्ष यह भी रखा था कि जो महाभारत का काल था, महाभारत के काल में और अब के समय में उत्तरायण से पहले मकर संक्रांति को देखा जा चुका है, वो ऐसा कुछ गणनाएं उन्होंने की है, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बात बोली कि महाभारत के समय में एक उन्होंने कहीं भी रिसर्च किया है, तो वो बोल रहे हैं कि उत्तरायण का मकर संक्रांति से कोई लेना देना नहीं है, वह पहले भी हो सकती है, मतलब अक्टूबर के आसपास, उन्होंने बताया कि अक्टूबर के आसपास भी मकर संक्रांति हो सकती है। अन्य पक्ष यह था कि जो नव वर्ष है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है ना, तो जैसे वैदिक पंचांग में जहां तक मुझे पता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से ही नववर्ष माना जाता है, लेकिन जो पक्ष यह है कि आर्यभट्ट जी और अन्य कई ज्योतिष आचार्यों ने युग वर्ष मास और मास आदि सबका दिन आदि जितने भी गणना है सबका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना है, तो एक तो यह जानना था, दूसरे सभी जो सभा में जुड़े हैं उनको यह जानना था कि ये दोनों में इतना अंतर क्यों आ रहा है, कि शिफ्टिंग क्यों हो रही है, कि पहले वो मना रहे हैं बाद में ये आ रहा है, तो ये विषय जानना था। इन विषयों पर थोड़ा सा आप चर्चाएं करें, इतने गोविंद जी जुड़ेंगे फिर उनकी तरफ से हम प्रत्युत्तर चाहेंगे। बेटा पुलकित, इसमें एक बात तो हम बता दें, इसमें थोड़ी सी तुम्हारी व्यक्तिगत त्रुटि है। नौ वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होगा, यही वैदिक मत है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं, ठीक है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से वर्ष के प्रारंभ करने का कोई प्रावधान अब तक हम लोगों की जानकारी में नहीं आया है, हो सकता है किसी पंचांग में ऐसा प्रचलित हो तो वो अलग विषय है, हम लोग यही मान रहे हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नौ वर्ष का शुभारंभ होता है और होता रहेगा, तो ये तुम्हारी व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, इसमें कोई मतभेद वाली बात है ही नहीं, हमारे जानने में सुनने में समझने में कहीं चूक हो गई होगी, कोई समस्या नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होगा। प्रश्न यहां पर यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कब होगी, जिस समय इन्होंने मनाई उस समय क्या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, या हमारे वैदिक पंचांग में जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लिखी है उस समय होनी चाहिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का प्रारंभ होगा, यह बिल्कुल ठीक है, परंतु वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कब पड़ी, मतभेद इस पर है। और दूसरा पक्ष जो उन्होंने रखा कि मकर संक्रांति और उत्तरायण अलग विषय, तो यहां भी मतभेद समाप्त हो जाते हैं। हम लोगों का यही तो कहना है, सूर्य जब दक्षिण में दक्षिण की दिशा में अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएगा और उत्तर की ओर आना प्रारंभ कर देगा तो उत्तरायण होगा, वो इस बात को यदि मान लेते हैं कि उसी समय उत्तरायण होगा तो समस्या समाप्त, उत्तरायण उसी समय होगा। अब उत्तरायण के अतिरिक्त यदि वे मकर संक्रांति नाम से कोई पर्व कभी मनाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, उस पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं है,
पूरे वर्ष भर किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से कोई भी पर्व मना सकता है, वो उसकी निजी भावना है, वो उसके व्यक्तिगत हो सकता है, उसके समूह में कुछ लोग हो सकते हैं, वो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो व्यक्ति अकेला हो या लाखों करोड़ों लोग उस बात को मानते हो, समस्या यहाँ है ही नहीं। समस्या यही है कि उत्तरायण उस दिन होता है ये बात हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। जिस दिन उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी वही उत्तरायण की तिथि होगी, यदि आप मान लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हम कह रहे हैं वही मकर संक्रांति भी आप कह लीजिए, आप उसे मकर संक्रांति ना कहें उत्तरायण कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति आप जब चाहें मनाएं, वो आपकी इच्छा है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ओम जी नमस्ते, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि हाँ आपने कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही नववर्ष मनाया जाता है, मतभेद इसमें है कि वो कब होनी चाहिए। जैसे कि रामनवमी जो है वो चैत्र की नवमी को ही मनाई जाएगी, लेकिन वो कब आती है वो चैत्र की नवमी, इसमें जो है वो फर्क आ रहा है। और इसमें कई पूर्णिमांत और रमांत का भी फर्क आता है, तो इस पर भी यदि आप कुछ प्रकाश डाल। जी यह विषय मेरा है ही नहीं, एक तो ये जान ले मेरा विषय वेद है, ज्योतिष या पंचांग नहीं है। ये तो हमारे साथ जो युवा साथी ये बच्चे जुड़े हैं, सरल भाषा में उन तक ये जो विषय है पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूँ। जब वेद की बात आएगी तो मेरी बात का प्रमाण भी माना जाएगा, क्योंकि वेद मेरा मुख्य विषय है, मैं विनम्रता से कह सकता हूँ। परंतु ये ज्योतिष और पंचांग का विषय ये लोकेश जी वैदिक पक्ष की ओर से मुख्य आचार्य हैं, वे वैदिक पंचांग निकालते हैं और उनके कुछ सहयोगी नंदन जी विश्वामित्र जी संभवतः इसमें जुड़ेंगे, तो वो उस पक्ष को प्रमुखता से रखेंगे कि ऐसा क्यों कैसे क्या हो रहा है, इतनी सूक्ष्म गणना ये मेरा विषय नहीं है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्षमा करें। ओम हाँ इतना कह सकते हैं, आपने पूर्णिमांत और अमांत वाली बात कही थी, तो हम लोग अमांत को मानते हैं, ये ठीक है कि जब नवीन चंद्रोदय होगा तो वहीं से नवीन मास का प्रारंभ होगा, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब नववर्ष का प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से वो नवीन चंद्रोदय से ही नववर्ष और नवीन मास प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मत है, और दूसरे मत हो सकते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हरीश जी आपके कुछ प्रश्न थे, आप रख सकते हैं उन्हें। जी पुलकित जी, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि अलग अलग लोगों में अलग अलग मत है, तो अभी तो वर्तमान में मेरे कोई प्रश्न नहीं है वैसे, तो एक बार गोविंद जी को जोड़ने दीजिए ताकि वो अपनी बातों को रख सके, और जिनकी उनकी बातें भी हमें यदि तर्कपूर्वक लगे तो हमें उनको मानना चाहिए। मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ, और आप कोशिश कीजिए जो वैदिक पंचांग वाले हैं उनको जुड़वाने के लिए, ताकि वो अपनी बातें को अच्छे से रख पाए। जी इसमें मैं कुछ और बिंदु जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि पूर्णिमांत और अमांत का कहा, तो इसमें मैंने कुछ चीजें बहुत बढ़िया ऑब्जर्व की कि कुछ तो पर्व ऐसे होंगे जिनमें पूर्णिमांत और अमांत को कोई फर्क नहीं होगा, भले आप पूर्णिमांत के आधार पर माने या अमांत के आधार पर माने, वो पर्व उसी दिन आएगा यदि वो पूर्णिमा के दिन है तो। लेकिन कुछ पर्व में 15-15 दिन का फर्क भी आ जाता है, कई बार कॉमन होता है, कई बार फर्क आ जाता है। तो नव वर्ष में क्या है मुझे अभी गणना याद नहीं आ रही है, लेकिन नव वर्ष में यदि पूर्णिमांत और अमांत के कारण 15 दिवस का फर्क पड़ रहा है, तो जो होली आती है, मतलब जो वासंती नवसृष्टि आती है, उसके अगले दिन से ही कुछ लोग चैत्र का प्रथम दिन मानते हैं, और कुछ लोग जो है वो 15 दिन बाद में चैत्र का प्रथम दिन मानते हैं। तो
यानी मान जो है वो चैत्र के प्रतिपदा को ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शुक्ल प्रतिपदा 15 दिन पहले मान ले रहे हैं और कुछ लोग बीच में मान ले रहे हैं। तो ऐसा मैंने कहीं ग्रामीण जगह पर भी देखा है, जो होली के अगले दिन ही, होलिका दहन के अगले दिन ही प्रथम नववर्ष मान लेते हैं, उसे चैत्र मान लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसी कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं भी है कि उसके अगले दिन जो है आप जो कार्य करते हैं वही पूरे साल होता है, सोना नहीं चाहिए उस दिन देर तक। यानी कि कुछ लोग होली के अगले दिन से भी नया वर्ष मानते हैं, ये मान्यता है भारत में, और कुछ लोग 15 दिन बाद मानते हैं अधिकांशतया। जी ठीक बात है, इसमें मैं केवल इतना थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का प्रारंभ हो सकता है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। आप जो कह रहे चैत्र का प्रारंभ तो मानते हैं, परंतु वह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का प्रारंभ मानते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नहीं मानते। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तो वो भी उसी दिन मानेंगे जब हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहेंगे। तो शेष आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी जी क्षमा करें, हाँ सही कहा आपने, मतलब शुक्ल प्रतिपदा एक ही दिन मान रहे हैं, लेकिन वो उसमें नववर्ष के आधार पर मान सकते हैं कि महीने का प्रथम दिन ही नववर्ष होना चाहिए। तो जो अभी इन्होंने कहा था विज्ञान युद्धे जी ने कि चैत्र मास की कृष्ण को ही प्रतिपदा को जो है वो शुरुआत कर देते हैं नववर्ष की, तो ये मत भी मुझे लगता है इस तर्क के हिसाब से कुछ लोग इसे ठीक बता सकते हैं कि जब नववर्ष मनाना है तो जो लोग होली के अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रथमा मान रहे हैं तो वो लोग ये कह सकते हैं कि हम इसी दिन से नववर्ष मनाएंगे, क्योंकि नया साल तो शुरू हो गया है, चैत्र मास प्रारंभ हो गया है 12 मासों में से प्रथम। तो ये एक हो सकता है कि ये मान्यता भी कुछ पंचांगों में हो। ये भी ठीक है, अधिक समस्या तब आती है। शुक्ल प्रतिपदा ही है। जी हमको या और भी और हमारे साथी हैं, समुता सीताराम जी ने भी वेद कक्षा में एक दिन ये बात कही थी और लोगों को ने भी ये प्रश्न रखा है, समस्या तब आती है जब होली के अगले दिन चैत्र मास का प्रारंभ मान लेते हैं और नौ वर्ष 15 दिन बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। चैत्र मास तो प्रारंभ हो गया परंतु 9 वर्ष 15 दिन बाद होगा, अधिक समस्या तब आती है जब उन्होंने चैत्र मास का प्रारंभ माना और नव वर्ष मना लिया। यहाँ तो फिर भी ठीक है मुझे लगता है, जैसे भी सही, लेकिन चैत्र तो आपका प्रारंभ हो गया और नव वर्ष 15 दिन बाद होगा, यह अधिक जटिल विषय है, यह अधिक अटपटा लगता है। तो विचार करते रहें। तो अब इसमें एक और मुझे बात पता चली थी कि अमांत और पूर्णिमान दोनों ही पंचांग जो है वो काफी प्राचीन है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हमेशा से ही विभेद रहा है, रामायण काल से ही विभेद रहा है कि दक्षिण भारत के लोग जो है वो अलग अंत मानते थे और प्रथम सॉरी जो उत्तर भारत वाले हैं वो अलग प्रकार से मानते थे, हमेशा से है। लेकिन जो अभी वैदिक पंचांग का विषय है, जो आचार्य लोकेश जी का मत मैंने सुना है, उनके वाले में ये पूर्णिमांत और अमांत का विभेद नहीं है, वो इसमें मतभेद नहीं बता रहे हैं, वो लगभग 1 महीने का विभेद बता रहे हैं। और 1 महीने का विभेद वो किस आधार पर बता रहे हैं, पूरे महीने ही, कि जब हम चैत्र या वैशाख की बात कर रहे हैं तो 1 महीना आगे या पीछे चल रहा होता है, तो वो 15 दिन का गैप नहीं बता रहे हैं। 15 दिन का गैप तो होगा ही होगा, वो तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हमेशा से होता आया है और सब मानते हैं, लेकिन ये 1 माह ही पूरा आगे पीछे बताते हैं। जैसे दीपावली जो है तो जब हम कार्तिक मास मानते हैं उस वक्त उनका कहना है कि उस वक्त अश्विन चल रहा होता है, कार्तिक नहीं चल रहा होता, तो महीने भर का फर्क है। 15 दिन वाला ये पूर्णिमान तमांत वाली डिबेट अलग है। इसमें फिर एक और लॉजिक जुड़ जाता है, उसमें उनका ये भी कहना है कि जो कार्तिक मास है उसमें नहीं दीपावली मनाई ही अश्विन में जानी चाहिए, तो फिर उसमें वहां 2 महीने का फर्क आ जाता है। खैर वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, पर हाँ 1 महीने का फर्क। और इसमें एक और जानकारी हमारे पास में है, यदि हमें चेक करना है कि कौन सा महीना अभी चल रहा है, तो जैसा कि हमारे पंचांग की परंपरा है
कि महीना जो है वो पूर्णिमा के दिन कौन सा नक्षत्र आसमान में होता है उस आधार पर महीने का नामकरण किया गया है। जैसे चैत्र मास है तो चित्रा नक्षत्र के आधार पर, वैशाख है तो विशाखा नक्षत्र के आधार पर, कार्तिक मास है तो कृतिका नक्षत्र के आधार पर। तो उसकी जो पूर्णिमा आती है उस दिन हम आसमान में जाकर स्वयं अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं कि आज कृतिका नक्षत्र है आसमान में या चित्रा नक्षत्र है। यदि उस समय चित्रा नक्षत्र ही है यानी चैत्र मास ही चल रहा है, और यदि जिस वक्त पूरी दुनिया चैत्र मास मानती है उस वक्त यदि पूर्णिमा को हम जाकर देखें और विशाखा नक्षत्र दिख रहा है, यानी कि आचार्य लोकेश जी की बात बिल्कुल सही है, हम लोग जो है वो गलत मान रहे हैं। लेकिन मैंने पिछले साल ऐसा चेक किया था, जब हम कार्तिक मास मानते हैं अश्विन मानते हैं उस वक्त की पूर्णिमा को वही नक्षत्र होता है। आप ये सॉफ्टवेयर वगैरह से भी चेक कर सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर में, और आंखों से भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कृतिका नक्षत्र इस प्रकार का दिखता है, और अभी कार्तिक मास मान रही है पूरी दुनिया और वाकई में कृतिका नक्षत्र ही दिख रहा है। तो अब वो उस कार्तिक मास को कैसे आश्विन कह रहे हैं या चैत्र वाले समय वो उसे कैसे वैशाख कह रहे हैं, ये अब वही बता सकते हैं। बाकी पूर्णिमान तमाम एक पूरा अलग विषय है, वह इसमें शामिल नहीं है शायद जी। यदि कोई और इस पर कुछ बात रखना चाहे तो जी। जुड़े हो नंदन जी आप, विश्वामित्र जी आप जुड़े हो तो कृपया मार्गदर्शन करें, अपना मत रखें जिसे सभी को सब जो भ्रांतियां हैं या फिर जो भी उत्तर मिले सभी का। वैसे मैं कहना चाहूंगा जो ये अमांत और पूर्णिमांत वाली बात चल रही है, तो जो चांद्रमास होते हैं वो अमांत से अमांत तक माना जाता है, और जो सौरमास होते हैं वो संक्रांति से संक्रांति माना जाता है, इस प्रकार मैंने कहीं पढ़ा है, आर्यभट्टीय में ही पढ़ा है। तो इस तरीके से लेकिन अलग अलग है, जैसे उत्तर में अलग मानते हैं दक्षिण में अलग मानते हैं, ये बात भी ठीक है। तो कोई भी साथी जुड़े हों तो कृपया अपना मत रखें जिससे एक निर्णय तक हम पहुंचे। अच्छा एक गगन जी जुड़े हुए हैं, ये हमारे टीम से हैं, तो अगर ये अपनी कोई बात इस पर रखना चाहें तो इनका भी अच्छी जानकारी है इस विषय पर। गगन गुप्ता जी माइक खोलें यदि आप चाहें अपना मत रखें। बोलिए गगन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बताएं। जी मैं बात सुन रहा था विज्ञान दर्शन जी की, और ये मेरे भी डाउट है इसलिए मैं यहाँ पे आया था इन्हीं सब बातों को लेकर। इसमें आपका क्या मत रहा है वो? नहीं, मैं तो जो है दरअसल बात ये है, आचार्य लोकेश जी का मत पूरी तरह से उन्हीं से वार्ता करके उस डाउट क्लियर हो सकता है जो वो कहते हैं। एक समस्या ये भी है कि अब जैसे कि आपने बोला कि वैशाख में जो है विशाखा नक्षत्र होता है, तो उस विशाखा नक्षत्र की पहचान क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जो है गलत उसको मान के चल रहे हो, जो विशाखा ही नहीं वो नहीं, उसको विशाखा बोल रहे हैं? ये भी बात हो, ये समस्या हो सकती है। इसमें एक चीज हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी नक्षत्र है या जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, तो चित्रा नक्षत्र है या स्वाति है, रेवती है, जितने भी प्रकार के नक्षत्र हैं, तो उनका आकार लगभग उनके नाम पर ही है। जैसे राशि है तो राशि में, जैसे सिंह राशि है तो सॉफ्टवेयर में उसका नाम लियो नहीं, रहता वो तो, है लियो सा, वो तो जो है तो वो तो जो है भांति ही दिखता है। नहीं, वो राशि वाला तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया, वो तो सोलर वाला हो गया। इसी प्रकार नक्षत्र चंद्रमास का आकार, चंद्रमास चित्रा नक्षत्र का, स्वाति नक्षत्र का आकार है शायद इनके नाम के आधार पर, ये तो इसमें तो कोई मतभेद नहीं होगा। पर हाँ, हो सकता है कि आचार्य लोकेश जी ने अगर ऐसी चीज निकाली होगी, शायद नक्षत्र का नाम ही गलत मान रहे। जी यदि इतनी बातचीत हो चुकी है, अब जो निष्कर्ष रूप में निकले हैं तो आगे यदि और कोई जुड़े हो, गोविंद जी जुड़ गए हो तो अपनी बात रखें जिससे चर्चा आगे बढ़े।
स्वामी जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। मेरा मत ये बन रहा है कि अपन को इसमें किसी खगोल विज्ञान के जानकार के भी सहायता लेना चाहिए, जो इन सभी चीजों को देखता हो, जानता हो, ग्रहण आदि का अध्ययन कर रहा हो, जिसने अपनी ऑब्जर्वेटरी से समय समय में पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों की अध्ययन और उसके उनके चलन और उनकी गतियों के ऊपर रुचि से प्रकाश डाला। जी अरे जी देखिए, गोविंद जी जुड़े हैं क्या? वो अपना मत रखना चाह रहे। गोविंद जी तो जुड़ चुके हैं सर, उनका नाम दिख रहा है लिस्ट में, गोविंद मोरे नाम से। एक मिनट मैं उसको कॉल करता हूँ। भाई गोविंद जी आप जुड़ चुके हैं, कृपया अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। जी गोविंद जी, संक्षेप में अभी तक ये बातें हुई है। सर्वप्रथम जो मकर संक्रांति की बात थी, मैंने आपका पक्ष रखा, आपसे बातचीत हुई थी जो भी, तो उसके बाद जी तो उसके बाद यही बात निकली थी कि उत्तरायण, मतलब कहा गया स्वामी जी व नंदन जी के द्वारा कि कोई भी कैलेंडर बने, पंचांग बने, तो उसके संपात और अयन, दो 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 संपात होते हैं, दो अयन होते हैं, यह मूलभूत आधार रखकर पंचांग बने। उसके अलावा जो जी जो दक्षिणायन वो उत्तरायण की बात हुई, तो उत्तरायण उसी को कहा गया जो दक्षिण के अधिकतम बिंदु तक पहुंच जाए और सूर्य की गति जब उत्तर की ओर प्रारंभ हो जाए उसको उत्तरायण कहा। यहाँ सभी ये बात से सहमत है कि जो अलग अलग, इनसे आपस में ऐसा संबंध नहीं है, अलग अलग हो सकती है आप, लेकिन जो मकर संक्रांति के बारे में अपनी बात रखना चाह रहे थे कि वो पहले भी होती थी महाभारत के आदिकालीन में, जो भी है आप अपनी विषय रखें। उसके अलावा जो नए वर्ष की बात हुई थी, तो नए वर्ष की बात यही थी कि विज्ञान दर्शन जी ने ये मत रखा कि कई लोग होलिका दहन के तुरंत बाद मनाते हैं, कुछ दिन 15 दिन बाद मनाते हैं, तो एक यह विषय है। इसके अलावा जो एक बात यह थी कि उन्होंने रखा कि जो अमांत से अमांत और जो पूर्णिमांत से पूर्णिमांत है, उत्तर व दक्षिण में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, तो यह क्या है। और जो एक महीने का जो शिफ्टिंग है उनका, तो कोई वैदिक पंचांग से जुड़े हों तो वो बताएं कि उन्होंने किस आधार पे वो एक महीने का शिफ्टिंग हो रहा है। तो एक वो मत है। इसके अलावा आप अपना जी जी विभु जी आप जुड़े हैं, आप बताइए। जी पुलकित जी जी अभी ये आर्य राजन जी ने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो ये शायद किस कारण से किया आप एक बार इनसे पूछ लीजिए, ये कुछ शो करना चाहते हैं या हो सकता है कि कोई बात हो। जी आर्य राजन जी आपका कृपया अपना माइक अनम्यूट करें, वे अपनी बात को रखें, उसके बाद आप स्क्रीन शेयर या जो भी करना चाहे कीजिए, एक बार अपना माइक अनम्यूट करके कुछ बोलिए। और उसके बाद विभु जी आपका भी हैंड रेज आया था, तो कृपया आप भी बोले, बहुत आवश्यकता है। जी आले राजन जी बोलिए। आप सभी को सादर प्रणाम। आपने जिस विषय को लिया है और इस विषय के ऊपर जो आप ये चर्चा रख रहे हैं, यद्यपि इससे पूर्व अनेकों चर्चाएं हो चुकी, अनेकों सेमिनार जिनमें से कुछ में मैं भी सम्मिलित रहा हूं, आज से कई वर्षों पूर्व आचार्य दार्शनिक लोकेश जी एक पत्रक चलाते हैं, पंचांग चलाते हैं, आर्ष तिथि पत्रक, मोहन कृति आर्ष पत्रकम करके, तो इन्होंने एक शिविर का आयोजन किया था। ये अजमेर में गुरुकुल चलता है परोपकारिणी सभा के अंतर्गत, वहां ऋषि उद्यान वहां मैं सम्मिलित हुआ था इसमें। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, इस पर बात होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन मैं इस पर अपना कोई भी मत रखूं, मैं इसको इससे अभी बिल्कुल उपयुक्त नहीं समझता, क्योंकि मैंने अब से पूर्व वक्ताओं की क्या बातें रही ना तो मैंने उनको सुना है, और आपका विषय क्या है ना मैंने इसको अच्छे से समझा, इसलिए मैं अभी अपना कोई मत नहीं रख रहा हूँ। लेकिन अभी जो सुना मैंने, उस शुद्ध
बातों के आधार पर केवल नक्षत्र को लेकर के एक बात हो रही थी, तो उस नक्षत्र का एक लेख अभी आचार्य जी ने भेजा था, आचार्य जी लेख भेजते रहते हैं, तो बस मैं वही प्रेजेंट कर रहा था कि आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैं मौन होकर के ही बस जितना मुझे अभी समझ में आया केवल उस रूप में मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मत रखने के लिए पर्याप्त पूर्वा पर देखना होता है प्रकरण आदि को, और तब मत रखा जाता है। अभी तो मैं बिल्कुल प्रासंगिकता समझता ही नहीं कि मैं कोई मत रखूं, मुझे विषय ही स्पष्ट नहीं है। अब इतनी देर में विभू जी चले गए, उनको अपनी बात रखनी थी। ये क्यों, ये विभू जी ही ये विश्वामित्र जी हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं क्या? जी नमस्ते, मेरा नाम ही विभू विश्वामित्र है, और मैं एक्चुअली थोड़ा सा भी ट्रैफिक में था, मुझे अगर 5 मिनट का समय दें तो फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। जी जी अवश्य स्वागत है, क्योंकि पंचांग नियमित रूप से आप भेजते हैं और सब कुछ आपके ऊपर ही हमारे कार्यकलाप निर्भर है, तो आपका पक्ष आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए। सर मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं दोबारा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, 5 मिनट बाद आप बोलिए, स्वागत है। विभू जी के विषय में एक बात कह देता हूँ, विभू जी आचार्य दार्शनिक जी के सुपुत्र हैं और इस विषय पर इनका अच्छा खासा अध्ययन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब शास्त्र को वर्तमान परंपरा या वर्तमान स्थितियों के साथ में अगर समायोजन करके कोई प्रस्तुतिकरण करने वाला मिल जाए तो वहां पर और अधिक स्पष्टता हो जाती है, यानी वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, जो व्यवस्था है, उसको शास्त्र के साथ समायोजन करके जो प्रेषित करने वाली योग्यता है वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत अधिक सार्थक हो सकती है। तो विभू जी आचार्य जी के सुपुत्र हैं, और यदि इनका इस पर व्याख्यान आता है तो निश्चित रूप से हम एक सटीक स्थितियों को यहां से हम ले पाएंगे। जय, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनका पंचांग मिलता है, लेख मिलते हैं, विचार मिलते हैं, आचार्य जी से भी हमारा कुछ संपर्क है, पर अधिकतर संपर्क तो विश्वामित्र जी से ही है, जिन्हें आप विभू जी भी कह रहे हैं, लेकिन ये उनके सुपुत्र हैं जी, आज मुझे जानकारी मिली, बहुत अच्छी बात है। तो सीधी बात ही समझी जाए कि विभू जी जुड़ेंगे या लोकेश जी जुड़ेंगे, फिर तो लगभग एक समान हो गया, बहुत सौभाग्य है हम सब का कि वो जुड़ रहे हैं और अपनी बात रखेंगे, और दूसरा पक्ष भी हमारे पास है तो अवश्य हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जी किसी को कुछ कहना है तब तक तो बता सकते हैं। हाँ, जब तक विभू जी जुड़ते हैं तब तक एक बात मैं अपनी रखता हूँ, जो नक्षत्रों को लेकर के बात हो रही है, हम देश के आधार पर आई है। कृपया हरी जी माइक म्यूट करें अपना। हाँ जी नंदन जी बोलिए। वेद में 28 नक्षत्रों का उल्लेख है, हम पढ़ते हैं, मंत्र संख्याएं आपको मिल जाएंगी, तो वो 28 नक्षत्र ही इस श्री मोहन कृति आर्ष पत्रक में अंकित हैं, और इनके अपने अपने मान हैं। इसलिए जो ये बात कहते हैं कि चैत्री पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है, तो इससे अगर आप 28 लेंगे और उनका मान अलग अलग लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता। आपको अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और हर किलोमीटर का अपना अपना स्थान है, तो और मूल में है किलोमीटर 11, तो ये एक्यूरेसी नहीं आ सकती उसमें, ये इस पंचांग से आपको दर्शन हो पाएगा इस बात का। ओम जी नमस्ते, सुविधाजनक हो तो मैं कुछ बात कर पाऊंगा। जी बोलिए, स्वागत है। जी नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। दो तीन बातें मैं रखना चाह रहा था, जैसे अभी एक विषय आ रहा था कि नक्षत्रों की पहचान भी राशियों की तरह उनकी आकृति से है, तो यह सर्वथा गलत बात है, क्योंकि नक्षत्रों में कई नक्षत्रों में तारों की संख्या ही सिर्फ एक है। जैसे स्वाति नक्षत्र में एक ही तारा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में एक ही तारा है, कृतिका में 6 तारे हैं, लेकिन कृतिका तो किसी आकृति का नाम नहीं है ना,
राशियों में ये व्यवस्था जरूर है कि ऐसा लगता है कि तारों के स्वरूप से एक आकृति की कल्पना की गई हो और उसके अनुसार उसका नाम हो, लेकिन वास्तव में नक्षत्रों को लेकर के ऐसा बिल्कुल नहीं। नक्षत्र क्या है कि चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो प्रत्येक दिन एक विशेष अवस्था में वो किस नक्षत्र पर है, यानी किस तारे के समीप से गुजरता है। तो ऐसे माइलस्टोन हैं, इनका अंग्रेजी में नाम भी लूनर मैंशन है, मतलब चंद्रमा के मैंशन माने किले जहां वो रहता है। तो चंद्रमा जहां जहां रहता है या हर दिन जहां जिस जिस तारे के पास, तो औसतन ये हमको 28 नक्षत्रों के आसपास दिखता है, यही 28 नक्षत्र वेद में। लेकिन गणना की सुविधा के लिए, क्योंकि अगर आपको पहले से कल्पना करनी हो कि चंद्रमा कल किस नक्षत्र में दिखाई देगा तो हमें कुछ गणना करनी पड़ेगी, उस गणना की सुविधा के लिए, क्योंकि 360 अंश का जो एक वृत्त है उसमें चूंकि 28 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो उस सुविधा की दृष्टि से 27 है, 27 का भाग देने से 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र हो जाता है, बराबर बराबर हिसाब बैठ जाता है। लेकिन वो गणना की सुविधा से है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें अगर कोई चीज अचीव करनी है, एक चीज होती है हमारा लक्ष्य और एक चीज है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन, तो गणित साधन है, गणित साध्य नहीं है, गणित परिणाम नहीं है, साधन तो हमारे लिए वेद में दिए गए नक्षत्र हैं, उनको प्राप्ति के साधन आप गणित में, आधुनिक गणित में और अधिक सूक्ष्मता से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो जैसा बेहतर हो सके वैसा करना चाहिए हमको। अच्छा, एक चीज आ रही थी कि ये 15 दिन का जो अंतर है, पूर्णिमांत और अमांत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इसकी ना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। मेरी बात सबको समझ में सुनाई आ रही है ना? हाँ जी जी, बोलिए, सब समझ रहे हैं। ओम, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। ऐसा भारतीय कैलेंडरों में जो प्राचीन जो नवीनतम सुधार कार्य हुआ है वो एक तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था जब तक शक संवत चालू हुआ है, लेकिन उससे पहले एक सुधार हुआ था 57 ईसा पूर्व में जब महाराजा विक्रमादित्य ने भारतीय पंचांगों में ऋतु निष्ठता के सुधार के दृष्टिगत एक परिवर्तन किया था। और वो परिवर्तन यह था कि उन्होंने ऋतुओं में साम्य फिराने साम्य लाने के लिए कि महीनों उन्हीं ऋतुओं में आए, महीनों को 15 दिन शिफ्ट किया, जिसके कारण जो अमांत व्यवस्था है वो उत्तर भारत में पूर्णिमांत है। ये भी आप जानते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य का दक्षिण भारत में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध जो है वो जय पराजय में नहीं बने। तो जो सुधार महाराजा विक्रमादित्य ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में करे थे वे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में उस तरह से प्रचारित प्रसारित नहीं हो सके, क्योंकि वहां महाराजा विक्रमादित्य का उस तरह का राज सत्ता का प्रभाव नहीं था। तो उत्तर भारत में ज्यादा था, उत्तर भारत में यह परिवर्तन हो गया और तब से यह परिवर्तन के अंतर चला आ रहा। लेकिन मूल बात यह है कि मूलतः मास व्यवस्था अमांत थी उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। उत्तर भारत में ऋतु निष्ठता क्योंकि कैलेंडरों की 15 दिन के लिए खिसक गई, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कैलेंडर जो है 15 दिन पीछे शिफ्ट कर दिया, जिससे वो अमांत के बजाय पूर्णिमांत पर आ गया। अब एक बात आती है आपकी, जो तो मास नाम के लिए हमने कहा महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर, तो ऐसा वेद में तो नहीं। अच्छा, एक चीज और भी समझने की है कि पूर्णिमा का संबंध किसी भी नक्षत्र से सर्वत्र स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि नक्षत्र अलग चीज है और मास व्यवस्था सूर्य और पृथ्वी के संबंध से बनने वाली चीज है। तो नक्षत्र आप इसके ऐतिहासिक उल्लेख भी देख सकते हैं, वेदांग ज्योतिष में नक्षत्रों की गिनती यानी मेष आरंभ का प्रारंभ यानी क्रांति वृत्त का जो आरंभ बिंदु है वहां पर कृतिका नक्षत्र है, उसके बाद उससे पहले हमें मृगशीर्ष नक्षत्र के भी उदाहरण मिलते हैं, हमें उत्तरायण में धनिष्ठा के भी उदाहरण मिलते हैं, तो उत्तरायण में ही श्रवण के भी उदाहरण मिलते हैं, ऐसे वर्षा ऋतु में आर्द्रा के भी उदाहरण मिलते हैं। तो है क्या कि भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इन विशिष्ट बिंदुओं पर रहने वाले नक्षत्र बदलते रहे हैं, तो किसी भी पूर्णिमा का किसी एक नक्षत्र से संबंध विशेष हर समय सार्वकालिक नहीं बना रह सकता, लेकिन मासों का संबंध ऋतुओं का हमेशा बना रह सकता। एक पुस्तक है भारतीय ज्योतिष पंडित बाल बाल कृष्ण दीक्षित जी की, उसमें स्पष्ट तो
मासों का जो नामों का संबंध है, जो वेद की परंपरा है, उसमें सौर मास का जो नाम है उसके अनुवर्ती जो भी चांद मास आएगा उसका वही नाम है जो सौर मास का नाम है। क्योंकि पंचांग में ना मूल सौर है, चंद्रमा चांद्रमास उसके अनुवर्ती है। तो जो मधुमास आएगा, जो वसंत ऋतु का पहला महीना होगा, इसका नाम मधुमास होगा। उसके अंतर्गत जो चांद्रमास आएगा उसका नाम भी मधुमास ही है। वो मधु चांद्रमास है, वो मधु सौर मास है। ऐसे ही आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में सौर चैत्र का भी प्रचलन होता है, वो सौर चैत्र वैशाख भी चलते हैं, और उत्तर भारत में भी सौर चैत्र और चांद्र चैत्र दोनों अलग अलग तरीके से व्याख्यात होते हैं। तो ये अंतर को समझना जरूरी है। सौर चैत्र का मतलब वसंत ऋतु के पहले महीने का नाम। इस महीने में पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कभी किसी जमाने में होता था, हो सकता है कुछ हजार साल बाद फिर से होने लग जाए, लेकिन यह एक सार्वकालिक नियत व्यवस्था नहीं है। गोविंद जी ने एड्रेस किया, गोविंद जी इस पर कुछ मत रखना चाहते हैं। ओम ओम विभू जी, आपकी ध्वनि बहुत ज्यादा रुक रही है। गोविंद जी, पुलकित जी, गोविंद जी ने हैंड रेंज किया, आप उनको बोलने की अनुमति ले सकते हैं। तो मैं बोलूंगा जी, विभू जी आप फिर बोलिएगा थोड़ी देर में, जितने नेटवर्क आ जाए, जितने गोविंद जी कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आपकी बात पे तो वो अपना ऑब्जेक्शन रख सकते हैं जी। तो देखिए, एक तो बात है ना कि जब व्यक्ति हठ में आ जाता है तो क्या बोलता है, मुझे सही बता रहा हूँ, वो व्यक्ति हठ में क्या बोलेगा वो मुझे नहीं समझ में आता है। तो इन्होंने जितनी बातें बोली है वो हो सकता है इनको अपने परिप्रेक्ष्य से सही लगता हो, परंतु इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो जिन जिन पॉइंट पे अगर इन्होंने बोला है उसको आप लोग एक एक करके बोल सकते हैं। मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट किया बट हर एक पॉइंट मेरे ध्यान में नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि मास का संबंध नहीं है ऋतुओं से, तो आप रामायण को पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसमें जो वर्णन है वो अस्पष्ट है कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु है, शरद ऋतु के बाद अश्विन है, शरद ऋतु में अश्विन है और कार्तिक मास है, उसका वर्णन है। दूसरा ऑब्जेक्शन इस बात पे है जो इन्होंने बोला कि विक्रमादित्य ने वो 15 दिन का लागू किया है, वो विक्रमादित्य के समय का लागू नहीं किया हुआ है, विक्रमादित्य से पहले इवन रामायण काल में भी वो मेंशनड है, जो ये 15 दिन का डिफरेंस नववर्ष में कहते हैं या फिर उत्तर भारत या दक्षिण भारत में है, वो रामायण में भी आता है। और स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी ने वो जो उन्होंने अपनी शोधित रामायण प्रकाशित की थी उसमें उन्होंने प्राकथन में ये बात मेंशन किया हुआ है। मैं आपको स्लाइड से दिखा देता हूँ चाहिए तो वो बिंदु। हालांकि इस पे विज्ञान दर्शन जी के साथ मैं एक लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ यूट्यूब में, तो आशा करता हूँ स्लाइड दिख रही है सभी को। जी दिख रही है। जी जी दिख रही है। तो स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, कार्तिक समन प्राप्त्यतम रावण वधेयत ये सनस समय सौम्य प्रविशतम सोमालयम, ये भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं कि जब बालिका वध करते हैं तो बालिका वध करते करते वर्षा ऋतु आ गई थी, तो उनको फिर सुग्रीव को बोलते हैं आप अभी जाके राज्यपाट मतलब करिए, जा करके वर्षा ऋतु आ गई तो हम अभी प्रश्रवण जो पर्वत है उस पर निवास करेंगे, जब कार्तिक लगेगा, मतलब कार्तिक लगने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, तो कार्तिक लगते ही आप जो है यहाँ पे आ जाइएगा और रावण वध के लिए प्रयत्न प्रारंभ करिएगा। तो अब कार्तिक लगने का तात्पर्य है कि उत्तर भारत में कार्तिक जो है कृष्ण पक्ष से लगेगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं जो दर्शकगण यहाँ जुड़े हैं कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत या अमांत मास और पूर्णिमांत मास में ये अंतर है, एक बार मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो जो शुक्ल पक्ष है वो दोनों महीनों का समान होता है,
अमांत मास का भी और पूर्णिमांत मास का, लेकिन जो कृष्ण पक्ष है वो एक महीने आगे चलता है, यानी आप 15 दिन कह लीजिए, जो भी कहना हो आप कह लीजिए। तो जैसे तात्पर्य यह है कि जो कृष्ण पक्ष, अगर चैत्र कृष्ण पक्ष पूर्णिमांत मास का है यानी उत्तर भारत का है, तो उसको साउथ में, दक्षिण भारत में फाल्गुन कृष्ण पक्ष ही बोलते हैं और अमांत मास कहते हैं उसको। तो ये अंतर आप लोग समझ के रखिए, तो आपको ये समझने में आसान होगा कि रामायण में जो वर्णित है वो क्या है। तो उन्होंने कार्तिक बोला है, तो कार्तिक लगने का तात्पर्य है कार्तिक जो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से, तो ये भगवान राम के अकॉर्डिंग है क्योंकि वो यहाँ से अयोध्या से। अब यही बात चूंकि जो सुग्रीव है उनके लिए वो बात जो है अमांत के अनुसार कार्तिक लगना है वो शुक्ल पक्ष से है, तो 15 दिन का जो गैप है वो इसी के चलते सुग्रीव जो है वो डिले कर रहे थे कि अभी तो उन्होंने कार्तिक बोला है और अभी अश्विन ही चल रहा है, इसीलिए भगवान राम को क्रोध भी आया था कि लक्ष्मण जी को बोला कि जाकर के आप बुला के लेके आइए। तो दूसरा वाला जो ये श्लोक है, पहला तो 26वें अध्याय का है, जब भगवान राम ने ये किष्किंधा कांड में है, आप लोग जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, किष्किंधा कांड में सुग्रीव को बोला है जब उन्होंने जाने के लिए, राज्य करने के लिए। दूसरा श्लोक जो ये 53वें अध्याय का है किष्किंधा कांड के, जब भगवान राम वर्षा ऋतु बीतने के बाद शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु में जब देखते हैं कि कार्तिक तो लग गया लेकिन अभी सुग्रीव नहीं है, तब वो बोलते हैं कि शासनात् कपिराजः स्वयं सर्वे विनिर्गता, ये उसका नहीं है। उसके आगे जब सुग्रीव जी भेज देते हैं बानरों को, अंगद जी जाते हैं समुद्र के तट पे, तो वहां पे उन्होंने एक महीने का समय दिया हुआ था अंगद इत्यादि को, सभी बानर सेना जो चारों दिशाओं में गई थी, तो ऐसे सभी को एक महीने का समय सीता जी का पता लगाने के लिए दिया गया था। तो जब समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं अंगद जी और सभी बानर सेना, तो इनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था कैसे सीता जी का पता लगे, तो इन्होंने क्या किया, अंगद बोल रहे हैं सभी से, शासनात् कपिराजः स्वयं सर्वे विनिर्गताः मासः पूर्णो बिलस्थानं हरयः किं न बुध्यते, हे हरयः किं न बुध्यते, हरयः यहाँ पे संबोधन है जो वानर सेना उनके साथ थी, उनके लिए कह रहे हैं शासनात् कपिराजः से, जो कपिराजः था सुग्रीव के शासन से हम लोग निकले थे और मास पूर्ण हो चुका है, आप लोगों को क्या ये समझ आ रहा है, बुध्यते मतलब समझ आना बोधन, वयम अश्व युजे मास काल संख्या व्यवस्थिता, वो कह रहे हैं हम अश्विन मास में निकले थे, अश्व युजे मास अर्थात अश्विन मास में, तो अश्विन और कार्तिक में यही अंतर है कि भगवान राम के अकॉर्डिंग वो तो कार्तिक मास प्रारंभ था, लेकिन ये अंगद और सुग्रीव के अनुसार वो अश्विन मास था। तो ये जो मेंशन इन्होंने किया है कि 15 दिन का जो डिफरेंस है वो विक्रम संवत के अनुसार नहीं, विक्रम ने वो अपने नाम से वो संवत चलाया कि आज से ये संवत उत्तर भारत के अनुसार ये चलेगी, उन्होंने उसमें नया कुछ संशोधन नहीं बताया था, क्योंकि संशोधन बताने के लिए ज्योतिषी चाहिए होता है, मतलब कोई ज्योतिषी नहीं थे, उन्होंने उनके नाम से संवत चलाया, ऐसे जैसे बहुत सारे संवत चलते हैं, कली संवत है, शालिवाहन संवत है, ऐसे गुजराती संवत है, सख संवत है, बहुत सारे संवत चलते हैं, तो इस पे लाइव किया हुआ है विज्ञान दर्शन जी के साथ, आप लोग को अगर समय हो तो जाके देख सकते हैं, या फिर कभी अगर आपको करना रहे तो आराम से बैठिए कर सकते हैं चर्चा उस पर। दूसरा जो नक्षत्र वाली बात है, नक्षत्र पे एक बिंदु उन्होंने सही रखा कि पहले 28 कहा जाता था लेकिन गणना के दृष्टि से 27 किया गया, ठीक है, तो गणना के दृष्टि से अगर 27 किया गया तो हम ज्योतिष का उद्देश्य गणना ही होता है, ज्योतिष का उद्देश्य कोई आपको ऋतु और ये बताना उसके बाद वाले पार्ट में, पहले है गणना करके किसी जो ग्रह हैं नक्षत्र हैं उनकी स्थिति क्या होगी ये पहले करना है, तो उसके लिए सुगम कैसे होगा वो बनाना सबसे पहला आधार होता है, तो जब 27 नक्षत्र बनाए गए तो उसके उसका आधार यही था कि नक्षत्रों का पहला यही है कि उनकी जो हम गति मेजर कर रहे हैं किसी ग्रह की वो किसके सापेक्ष मेजर की जाए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो हम लोग ग्रह दशा देख रहे हैं, जैसे सूर्य मूव कर रहा है, चंद्रमा गति कर रही है, मंगल ग्रह गति कर रहा है, शनि ग्रह गति कर रहा है, तो किसके सापेक्ष इसका मापन किया जाए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप जब कोई चीज मापन करते हैं और दो या दो से अधिक वस्तुएं गति कर रही हो तो आप कैसे बताओगे।
सापेक्षिकता वहां से आती है, तो एक आपको चाहिए होता है एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस साइंस की भाषा, जहां से आप सभी का मेजर कर पाए। तो बैकग्राउंड में एब्सोल्यूट फ्रेम के लिए नक्षत्रों के जो जो तारे हैं वो नक्षत्रों को उनको लोकेट किया गया, जैसा उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी एक नक्षत्र में एक ही तारा हो। तो कहने के तात्पर्य एक तारा होने से नहीं है, बात यह वो रिफर किया गया 13 अंश 20 मिनट वो एक नाम से। सिर्फ तारों की ही बात नहीं है, तारा सिर्फ लोकेट करने के लिए कि ये तारा है और इसको रिफर करके ये नक्षत्र कहा जाएगा। तो कहीं एक तारा या 10 तारे हो तो 10 तारे पूरा 13 डिग्री 20 मिनट हो सकता है ना कवर करते हो, लेकिन वो 13 डिग्री 20 मिनट उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में होने पे ये नक्षत्र होगा अगर चंद्रमा यहाँ पे है। तो केवल एक तारे या बहुत तारों से नहीं है, उसका रेफरेंस जो है कि उस एक जो वृत्त है उसको या फिर कह लो स्फेरिकल जो है उसको डिवाइड किया गया है ताकि हम गणना कर पाए, उसके रेफरेंस में हम जो ग्रह है उनकी स्थितियां बता पाए। इसके अतिरिक्त और भी उन्होंने जो कुछ बोला हो, अगर किसी को इस पर कुछ प्रश्न पूछना हो तो बता सकते हैं, मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूंगा। और दूसरी बात ये जो उन्होंने कहा कि महीनों के नाम नक्षत्रों से नहीं है, तो ये भी इनका जो है हट है मैं कहूँगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में जब पूर्णिमा पड़ती है तो उसके नाम के आधार पे ही जब चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा होता है पूर्णिमा के समय तो उसको उसी के अण वृत्ति से उसको चैत्र बोलते हैं। इसी प्रकार विशाखा में पड़ने से वो वैशाख है, ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ने से वो ज्येष्ठ है, और आषाढ़ा में चूंकि इसीलिए पूर्वाषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा है, तो कभी पूर्वाषाढ़ा में पूर्णिमा पड़ती है कभी उत्तर आषाढ़ा में पूर्णिमा पड़ती है, इसीलिए उसको आषाढ़ नाम से ही दो नक्षत्र बनाया गया, पूर्वा और उत्तरा। आप देखो चार ऐसे हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तर आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और पूर्वा फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी। तो ऐसे ये केवल उसी बैलेंस को करने के लिए बनाए गए हैं ताकि जो आप का महीना है वो आषाढ़ ही रहे, भाद्रपद रहे, फाल्गुन रहे। जी राजन जी आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? गोविंद जी नमस्ते। नमस्ते गोविंद जी, एक बात कहना चाहूंगा बस। विभू जी की किसी भी बात से उनके किसी भी तथ्य के को रखने में कहीं भी हट सिद्ध नहीं होती, क्योंकि या तो आपको हट स्वयं स्पष्ट नहीं है और आप उनके लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग करें कि हट, उन्होंने अपनी बात को जितना उनका अध्ययन है उन्होंने खुले मन से उस बात को रखा है, उनकी जिद नहीं है, उनके सामने ये नहीं कि आप सत्य को रखेंगे और सत्य को ठीक ठीक सत्य को जान करके भी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी उनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं। इस प्रकार के मंचों पे जब जिस चीजों को लेकर के रिप्रेजेंटेटर की भूमिका में हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचिए, अपने हृदय की भूमि को थोड़ा सा विशाल कीजिए। आप ये कह सकते हैं कि मेरा इस पर प्रति प्रश्न है, देखिए शब्दों का ही है लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस पर मेरा प्रति प्रश्न है, और प्रश्नों का स्वागत करता है सनातन। आप किसी को ये टैगलाइन मत दीजिए कि हट है, क्योंकि आप एक विद्वान के ऊपर यदि आप ये कह देंगे कल को तो आप किसी के लिए भी ऐसा प्रयोग करेंगे, तो ये बात ठीक नहीं। हाँ, आपका जो अध्ययन है इस विषय में वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक का जो अध्ययन किया है वो उन्होंने प्रस्तुत किया, तो हट जैसे शब्दों का ये कम से कम हमारी संकीर्णता को बताता है और हम विशाल हृदय वाले हों ऐसा हमारा प्रयास होना। तो बस ये निवेदन आपसे जरूर करूंगा, आपका जो अध्ययन है आदरणीय है, जो विभू जी ने अध्ययन किया, देखो प्रत्येक जीवन का अपना एक निश्चित सामर्थ्य है, ठीक है, उसमें हम कितना कर सकते हैं कितना कर पाते हैं ये अपने अपने पुरुषार्थ आदि के आधार पर होता है, ठीक है, बस ये प्रयास कीजिए। आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से रखिए, पूरा पूर्ण न्याय दीजिए उसके साथ में, क्योंकि आपके द्वारा बोले जा रहे जो शब्द है ना, शब्द को ब्रह्म कहा है, यदि शिक्षा में ही जाएंगे तो कल्पादि की बात नहीं करता, तो यदि आपकी वाणी से जो शब्द निस्सृत हो रहे हैं उन शब्दों का आप थोड़ा सा भार समझिए, उनका महत्व समझिए कि ये पूरे ब्रह्मांड में चहुंर व्याप्त हो रहे हैं, तो बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि हम सभी के हृदय आपस में मिलने वाले हैं, चर्चा परिचर्चा वाद विवाद उलझने बढ़ाने वाले किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले नहीं होते, ये तो उलझनों को सुलझाने की एक व्यवस्था है और ये शुद्ध परम। ओम। धन्यवाद राजन जी। तो हट कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि यदि सत्य बताने के बाद भी स्वीकार ना करे व्यक्ति तो उसको हट ही कहते हैं, तो बस इतना ही था। जो परंपरा से चला आ रहा है पहले, अगर उसमें न देख करके अगर आप कुछ लग रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए,
उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन एक पूरी परंपरा अगर आप निरस्त कर देते हैं कि ये गलत है वो गलत है तो उसको हट कहा जाता है। बस केवल इतना कहने का उद्देश्य। रामायण ज्योतिष का विषय नहीं, सबसे पहले मुख्य विषय रामायण का ज्योतिष। दूसरा, यदि रामायण से हम कुछ प्रमाण ले भी रहे हैं और वहां से हमने जिस प्रमाण को उठाया है और सामने विभु जी जिस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि हम दोनों का आपस में संघर्ष नहीं है तो हमें किन के पास जाना चाहिए? सीधे आचार्य जी के पास, आचार्य दार्शनिक जी के पास। आचार्य जी, ये शंका है, लेकिन गुरु परंपरा को हम इस रूप में लेना पड़ेगा, मेरी समझ क्या है और गुरु पुत्र की समझ क्या है। हम दोनों की समझ भी आपस में मैच नहीं हो रही तो फिर हमें गुरु के पास जाना चाहिए। हमें शास्त्र की, यानी जिस विषय का मुख्य शास्त्र है उस शास्त्र की शरण में जाएंगे तो सटीकता रहेगी। वैसे तो देखो, ज्योतिष को लेकर के अनेकों ग्रंथों में मिल जाएगा, अनेकों ग्रंथों में इस प्रकार का थोड़ा बहुत संकेत मिल जाएगा, तो क्या हम केवल उसी को प्रमाणिक माने? एक व्यक्ति ज्योतिष के अध्ययन पूर्वक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्तव्य रख रहा है और एक व्यक्ति किसी भी ग्रंथ का केवल किसी उद्धरण विशेष को उठा करके किसी मुख्य विषय को वहां पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं। दोनों में अंतर हो जाएगा ना? बस इतना। देखिए राजन जी, रामायण का प्रमाण दिखाने का तात्पर्य इतना था कि जो ये विषय उन्होंने उठाया कि ये विक्रमादित्य के द्वारा इंटरवीन किया गया विषय है, कि विक्रमादित्य ने इसको संशोधित किया, वो बताने के लिए किया था कि विक्रमादित्य ने वो नहीं किया, वो परंपरा आज की नहीं है, बहुत पहले की है। ठीक है, उसका कारण भी मैंने जब लाइव किया था विज्ञान दर्शन जी के साथ वहां भी मैंने स्पष्ट किया था। उसका कारण ये है कि उत्तर भारत में जब हम पूर्णमासी बोलते हैं तो पूर्णमासी का अर्थ होता है मास पूर्ण हो गया, तो पूर्णिमा के दिन हम मास पूर्ण मानते हैं, लेकिन गणित की गणना में वो पूर्णिमा से न लेकर के अमांत को अमांत से प्रारंभ करते हैं, इसलिए अमांत पे एंड करते हैं। तो दोनों अलग अलग विचारधारा है, दोनों लेके चलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब उसको एक जो हमारी परंपरा है उसको बोल दिया जाता है ये नवीन है, ये जो इंटरफेरेंस बोला जाता है ना विदेशियों द्वारा इम्पोज किया गया कि ये तो ज्योतिष था ही नहीं, कोई बोल देगा राशि ही नहीं थी, कोई बोल देगा नक्षत्र ही नहीं था आपकी गणना में, तो ये जो विचारधारा है ये बहुत बहुत संकीर्ण मानसिकता और ये विदेशियों द्वारा थोपा गया है हमारे साथ कि आपके पास तो ज्योतिष नहीं था, ये ग्रीकों ने आपको दिया है। वो ये नहीं समझते कि यहाँ से ग्रीक में गया, वो कहते हैं ग्रीकों ने आपको दिया है, यूनानी मिस्र से आया। तो ये सुनकर के बहुत आघात लगता है, ऐसे लोगों को काउंटर करने के लिए प्रमाण देता हूँ। गोविंद जी, बहुत विनम्रता से निवेदन है कि आज का जो विषय है हम लोग उसकी चर्चा करें, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करें। विदेशियों ने कहा, किसने कहा, ऐसा कोई विषय किसी ने उठाया ही नहीं है। यहाँ जो विषय उठाया गया है तो उस पर विद्वान लोग अपनी बात रखें तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्य विषय है कि आयन और संपात क्या है, कब होंगे, और ज्योतिष ये जो हमारा पंचांग बनेगा, मास गणना होगी, ऋतु गणना होगी, उसका आयन और संपात से क्या संबंध होगा, चैत्र मास कब प्रारंभ होगा, ये हमें निर्धारित करना होगा। मुख्य विषय तो यहाँ था ना कि संक्रांतियां कब पड़ेंगी और मास कब प्रारंभ होगा, उनके बीच जो अंतर किसी भी कारण से आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा, विद्वानों के बीच संवाद बना रहे, विवाद ना हो, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी बात रखें। मेरे लिए आप भी उतने ही सम्मानित हैं जितने विश्वामित्र जी या अन्य लोग, तो आपको इसीलिए आमंत्रित किया गया है कि अपना पक्ष आप तर्कपूर्ण ढंग से शालीनता से रखें, किसी पर कोई दोषारोपण न करें। दो पक्ष हैं, उनका पक्ष ये है कि वेद में 12 मासों के नाम ये दिए हैं, संक्रांतियों के आधार पर ये हैं, आयन और संपात के आधार पर हम गणना कर रहे हैं, उस पर आप अपनी बात रखें तो अधिक उपयुक्त होगा। जी, तो मैं चूंकि प्रारंभ में नहीं था तो आयन और संपात की जो बात है, आपके उत्तरायण और दक्षिणायन कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं, ये भी संभवतः उन्होंने बोला ही होगा, और किसके संपात को देख रहे हैं ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। मकर राशि की अगर संक्रांति की बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति ही उत्तरायण है, ये आप अगर बलात् उस पर लेके आएंगे तो ऐसा नहीं है, इस पर भी आर्यश जी ने बताया मुझे कि इसके सभी सहमत, तो वो बिंदु उठाइए जो उन्होंने पक्ष रखा हो, फिर उस पर तर्क विमर्श जो होगा वो किया जा सकता है। जी,
विषय ये है कि चैत्र मास का प्रारंभ कब और किस आधार पर किया जाए। मुख्य विषय यूं मान लें आप, जैसे जो संक्रांत की बात कही गई, आप जब ये मान रहे हैं कि उत्तरायण उसी दिन होगा जब उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा, तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर बात बिल्कुल हमने यही बताया कि तब तो दोनों पक्षों में सहमति है। आप उत्तरायण और दक्षिणायन की तिथियों पर सहमत हैं कि जब दिन सबसे छोटा उत्तर गोलार्ध में होगा तो उत्तरायण हो जाएगा, यही वैदिक पक्ष भी कह रहा है, जो अपने आप को वैदिक पक्ष कह रहा है, आप ऐसा मान लें, और आपके पक्ष को हम सुविधा से लौकिक पक्ष कह दें, जो लोक में प्रचलित है उसे लौकिक पक्ष कह दें, इसमें किसी के और कोई मान अपमान की बात नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि उनका पक्ष वैदिक है और हम कह रहे हैं कि भाई हमारा पक्ष लोक में प्रचलित है, तो सुविधा से वैदिक और लौकिक कह ले, समझने में सुविधा होगी, केवल इसलिए। तो वैदिक पक्ष ये कह रहा है कि वेद में 12 मासों का उल्लेख है और उन दो दो मासों की ऋतुओं का भी उल्लेख है, तो दो मास जहां वेद में मधु और माधव कहा गया है ये वसंत ऋतु के हैं। अब उसे हम लोक प्रचलित शब्दावली में चैत्र वैशाख कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वेद में उसे मधु माधव कहा गया है, हम उसे आज चैत्र वैशाख कह रहे हैं, तो इस प्रकार से तो हम स्वीकार कर सकते हैं। तो जब चैत्र मास का अंत होगा, वैशाख प्रारंभ होगा, वो बसंत ऋतु का मध्य बिंदु होना चाहिए, और जो बसंत ऋतु का मध्य बिंदु होना चाहिए उसे बसंत संपात होना चाहिए। तो बसंत संपात जिस दिन होगा, अर्थात दिन और रात्र बराबर होंगे, उस दिन चैत्र मास का समापन और वैशाख मास का प्रारंभ होगा। वैदिक भाषा में शब्दावली में उसे मधु और माधव मास कह रहे हैं, आप उसे चैत्र वैशाख कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने ये कहा एक ही बात है, शब्द दे दीजिए, नाम किसी कुछ भी रख दीजिए, जैसे अभी विभू जी भी कहा जा रहा है और विश्वामित्र जी के नाम से हम उनको जानते हैं, तो नाम से तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, मधुमाधव कहें या चैत्र वैशाख कहें। प्रश्न ये है कि मधु मास जिसे हम कह रहे हैं, इसे लोक में चैत्र मास कहा जा रहा है, उसका आरंभ कब होना चाहिए, तो इस पे इस अंतर को स्पष्ट करें जी। उन्होंने जो अपना मत रखा था मधुमाधव का कि ऋतु को कहा गया है, तो पहली बात तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, ऋतुओं का आपके उत्तरायण और दक्षिणायन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी संबंध रहा हो कि एग्जैक्ट कॉन्साइड करते होंगे, परंतु उत्तरायण और दक्षिणायन की दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो अभी मैं इस पे आपको एक और तथ्य बता रहा हूँ, जो सबसे समीपस्थ दिवस होता है वो 3 जनवरी के आसपास आता है, कि पृथ्वी जब सबसे समीप होती है सूर्य के वो 3 जनवरी है, जबकि जो उत्तरायण की तिथि है वो 21 दिसंबर है। तो समीप होना कोई ऋतु परिवर्तन को एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं करता है, वैसे समीप होने का अर्थ है कि ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं। दूसरा ये है कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन हम जिससे निर्धारित कर रहे हैं, वो जिस इलिप्स की बात कर रहे हैं, वो इलिप्स भी कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है विज्ञान की भाषा में। तो आप किसी एक सतत परिवर्तनशील पैरामीटर को लेकर के, मापक को लेकर के आप पंचांग और तिथि नहीं बना सकते। आपको मापन के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, आपको एक स्थिर मापक चाहिए, जिसके रेफरेंस में आप, जिसको एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कह रहा हूँ, उसके सापेक्ष आप किसी चीज का मापन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको कोई दूरी मापनी हो, दो कार चल रही हैं, आपने एक कार को रेफरेंस बना दिया, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हो, दूसरा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हो, तो आप जो मापन करेंगे तो कार की अपनी गति है, तो उसके सापेक्ष मापन करेंगे तो वो सही माप नहीं बताएगा, कल को कोई तीसरी कार आ जाएगी तो आप उसका मापन सही से नहीं कर पाएंगे। तो मापन के लिए सबसे पहले स्थिर जो ऑब्जेक्ट है उनको देखना पड़ेगा, और इसीलिए नक्षत्रों का जो स्थान है वो रखा गया है कि नक्षत्रों के सापेक्ष किसी ग्रह का, ग्रह की गति जो है वो मापी जाए। तो ग्रहों के सापेक्ष दूसरा ये है कि जब मास की बात आती है तो चंद्रमास को मापना चाहिए, क्यों? क्योंकि चंद्रमास जो है लगभग एक महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, हालांकि उसमें संशोधन है, लेकिन आप जैसे स्कूल भाषा में कह लीजिए कि एक महीने में चंद्रमा परिवर्तन करता है, तो हम उसके जो परिवर्तन है वो देख करके बता सकते हैं कि ये महीना पूरा हुआ।
इसी तरीके से जब वर्ष की बात आती है तो हम सूर्य को रिफर कर सकते हैं, सूर्य एक वर्ष में एक परिवर्तन करता है, उसका परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है एक वर्ष। तो जब हम किसी चीज का मापन देखते हैं तो हमें हमारे पास हर एक बात होनी चाहिए, एक स्थिर जिसके सापेक्ष मापन किया जाए, दूसरा यह है कि जिसमें गति हो रही है उसको देखना चाहिए। तो चंद्रमा में जो महीने की गति हो रही है वो देख करके या नक्षत्रों के आधार पे मास बनाए गए, तिथियां बनाई गई और उसी के आधार पे पंचांग चलते हैं। तीसरी बात यह है कि जो लोग पंचांग कहते हैं तो पंचांग कहने का तात्पर्य पांच अंग हैं उसके, तिथिवार करण योग नक्षत्र, ठीक है। जब आप ये अगर किसी पंचांग में कहने को पंचांग है और उसमें करण और योग न रखा जाए, तिथि न रखी जाए, तो उस पंचांग का कोई तात्पर्य ही नहीं है। इसके बाद जब आपने कहा कि नव वर्ष कब से प्रारंभ किया जाए, तो नव वर्ष का प्रारंभ जो बताया गया कि चैत्र को पहला महीना कहा गया है, तो चैत्र महीना जब प्रारंभ होगा तो उसको नव वर्ष कहा जाएगा। तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे उसमें भी दो विचारधारा है, एक अमांत मास मानते हैं, एक पूर्णिमांत मास मानते हैं। तो अमांत मास के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है नव वर्ष, और जो पूर्णिमांत मास है उसके अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से, तो दोनों में 15 दिन का अंतर है। तो जो चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से मानते हैं वो होली के दिन से उनका नववर्ष है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मानते हैं उनका नवरात्र के दिन से है। अब रही बात दिन और रात्रि बराबर होने के, तो वो एक इवेंट है जो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, उसको आप ये नहीं कर सकते हाँ आज बराबर हो रहा है तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी वो उसी तिथि को बराबर होगा, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि ये कोई पैमाना नहीं है आपको पंचांग बनाने का कि दिन और रात बराबर होने चाहिए, पैमाना ये है कि आपको जो गति हो रही है उसका मापन करना है उसके आधार पे। तीसरा ये जो ऋतु, उसके बाद जो आपने कहा ऋतु परिवर्तन की बात, तो चैत्र वैशाख को वसंत कहा जाता है, वो आज भी है पहले भी था, वसंत ऋतु चैत्र वैशाख में होती है। ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म होता है, गर्मी पड़ती है, वो होता है, अभी भी होता है, पहले भी होता था। वर्षा ऋतु आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ को ग्रीष्म कहा, सावन भादो को वर्षा ऋतु कहा, तो वर्षा ऋतु आज भी सावन भादो में होती है। उसके बाद आश्विन और कार्तिक को शरद कहा गया है, वो पहले भी कहा गया, आज भी कहा गया, और वर्षा समाप्त हो जाती है आश्विन में। तो जो परंपरा कई हजार वर्षों से लाखों वर्षों से चली आ रही है उसमें यदि दोष नहीं है तो उसमें उसको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होनी चाहिए। शरद के बाद ना शिशिर आता है, या हेमंत कह लीजिए आप, तो भी कहते हो मार्ग शीर्ष और पौष हैं वो आते हैं माघ फाल्गुन इधर। तो ऋतुओं का जो क्रम है वो तो है ही, अब आप उसको एक दूसरे नाम से जानना चाहते हैं जानिए, लेकिन आप उस पे अपना कि ये संपात इस दिन से संपात का कोई लेना देना तो है नहीं। मकर संक्रांति को लोग जोड़ते हैं उत्तरायण से, वो कभी 1700-1750 वर्ष पूर्व था लेकिन आज नहीं है, तो हम उसको नहीं जोड़ सकते कि वो उत्तरायण है। मकर संक्रांति आपको मनाना है तो मनाइए, उत्तरायण एक अलग विषय है, मकर संक्रांति एक अलग विषय है, संपात अयन का संपात अलग विषय है। तो आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब मात महीनों की होगी तो चंद्र को जोड़ा जाएगा, सूर्य को नहीं जोड़ा जाएगा। जो अयन की बात है वो सूर्य के सापेक्ष है, वो वर्ष के सापेक्ष है, वो देखिए आप चलेगा। लेकिन जब आप महीनों की बात करेंगे, तिथि की बात करेंगे, तो चंद्रमा के सापेक्ष होगा न कि सूर्य के सापेक्ष। तो तिथियां तो वो होती हैं जिसमें चंद्रमा पार अंश मूव कर जाए सूर्य के सापेक्ष, या अपने अमांत से अमावस्या के दिन से 13 डिग्री 20 मिनट घूमता रहे, उसको तिथि कहते हैं हम। तो ये सब विषय जो है इस अर्थ में समझे जाने चाहिए, ना कि देखिए चंद्रमा की गति और सूर्य की गति दोनों अलग अलग है। जब आप दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। केवल जो अधिक मास है उसको इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बीच में एक समय ऐसा आता है कि 30 तिथियां बीत जाती हैं, लेकिन वो जो पूर्णिमा है उस नक्षत्र में नहीं पड़ता है जिसमें होना चाहिए उसको, तो उसको पिछले से रिफर कर देते हैं क्योंकि अगला जो पूर्णिमा पड़ेगा वो वापस कॉन्साइड कर जाता है और फिर से महीना प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसलिए अधिक मास होता है हर तीसरे वर्ष। और ये आप कहो कि सूर्य से कॉन्साइड करने का, तो आप मान सकते हो कि सूर्य उससे आपको जो सौर मास है उनसे कॉन्साइड कर सकते हैं, लेकिन आप चंद्र मास को और चंद्र जो वर्ष है उसको सूर्य पे संपात कराएंगे तो वो ऐसा नहीं है। सूर्य की अपनी गति है,
तो सूर्य की गति कहने का तात्पर्य है पृथ्वी को, पृथ्वी की गति, ठीक है। पृथ्वी में पांच प्रकार की गतियां हैं, एक अपने अक्ष पे घूम रही है, दूसरा सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तीसरा जो जिस इलिप्स में घूम रही है वो इलिप्स भी घूमता है, तो रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, वाइब्रेशन वाली भी गति है कि जो इसका एक्सिस है वो उस एक्सिस की भी अपनी गति है, पृथ्वी जिस एक्सिस पे 24 घंटे में घूमती है उस एक्सिस की भी अपनी गति है। तो कहने का तात्पर्य है आप इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस एक चीज में लेकर के पंचांग बनाएंगे तो, और जो परंपरा से चला आ रहा है जिसमें त्रुटि नहीं है उस पे अध्यारोपित करेंगे तो ये उचित नहीं प्रतीत होता। यदि किसी को इस विषय में जितना मैंने अभी बोला है इस पे किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते गोविंद जी, आपने काफी अच्छे से समझाया। मेरा बस एक प्रश्न है इसके विषय में कि महाभारत का यदि हम देखते हैं तो भीष्म पितामह ने जो शरीर छोड़ा था अपना, तो महाभारत युद्ध के शायद लगभग 59 डेज, शायद मुझे कंफर्म नहीं जानकारी, उसके बाद उन्होंने उत्तरायण का वेट किया था, तो क्या वो उत्तरायण का वेट किए थे या फिर वो मकर संक्रांति था, इसके विषय में आप थोड़ा बता दीजिए। उत्तरायण का ही वेट किया था, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है 50 दिन बोलते हैं जब युद्ध समाप्त होता है उससे 50 दिन प्रतीक्षा करते हैं। मैंने जब आपसे बात किया था उसके बाद मैंने महाभारत में वो रेफरेंस ढूंढे भी, और तो अनुशासन पर्व में है 167वां अध्याय है, श्लोक 5वां है, तो बोलते हैं 50 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की उसको, और श्लोक 27 है कि सरसैया से गिरे थे उसके 58 दिन बाद उन्होंने प्रतीक्षा की थी, फिर वो उत्तरायण की प्रतीक्षा किए थे। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ था वो मार्गशीर्ष का महीना था, और जब वो गए हैं तो वो मार्गशीर्ष से आप कह लीजिए बोलते हैं मघा नक्षत्र था, तो दो महीने का समय है मार्गशीर्ष से जोड़ेंगे तो माघ पड़ेगा, माघ शुक्ल एक्चुअली जो ट्रांसलेट किया हुआ माघ शुक्ल अष्टमी किया हुआ, परंतु मैं जोड़ रहा था तो वो माघ शुक्ल अष्टमी नहीं बैठ रही थी, हालांकि वो उन्होंने इंटरप्रेट किया था, वो इंटरप्रेट किसी और तरीके से हो सकता है, तृतीया या चतुर्थी शुक्ल और उसके साथ बैठ रहा था कंसाइड कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य माघ शुक्ल में और माघ शुक्ल जो है तब उत्तरायण प्रारंभ होता था। तो अभी आज के समय की स्थिति क्या है, आज के समय में उत्तरायण कब होता है? जी 14 या 15 को मानते हैं लोग। नहीं नहीं ऐसे, वो मकर संक्रांति 21 दिसंबर को होता है। हाँ 21 दिसंबर, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अभी आप अगर मैच करेंगे कि तब का 21 दिसंबर और आज का 21 दिसंबर, तब का उत्तरायण आज का उत्तरायण मैच करे तो जो महीना है वो मैच नहीं करेगा। तो तब आज के समय में 21 दिसंबर को कौन सा महीना होता है, वो महीना मैच नहीं करेगा माघ से, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये उत्तरायण और दक्षिण की बात चल रही थी इसमें गति होती रहती है। जी जी ठीक है, धन्यवाद। पुलकित जी आप अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जी अभी ईसा पुत्र जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं गलती से हो गया था ऑन। जी गोविंद जी के बात पे प्रश्न हो तो रखिए जिससे चर्चा आगे बढ़े। ये दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात लाखला रोड से भी पंचांग प्रकाशित करते हैं, क्या वे भी इन्हीं सभी बातों के विचार के बाद ही तिथियों का निर्धारण करते हैं? देखिए अब कोई क्या पंचांग में विचार करके करता है वो मुझे नहीं पता है, हो सकता है सबका वैयक्तिक मत हो, पंचांग में सबके अपने अपने वैयक्तिक मत होते हैं, तो हर बात को मैं नहीं कंसिडर कर सकता। जो परंपरा से चला आ रहा है उसमें जो लोग चला रहे हैं वो अच्छी बात है, जिनको अपना मत रखना है उनके लिए भी अच्छी बात है, परंतु जो मेरा स्पष्ट मत है जो वर्तमान समय में विज्ञान और या इसके आधार पे जो गतियां खोजी गई हैं वो पहले भी थी, लोगों ने उसके बारे में बात किया है और वो हिंट दिखता है शास्त्रों में,
तो मैं उस पे बोलता हूँ कि जो परंपरा से अभी तक चला आ रहा था वो उचित है। उसमें अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कि ये ऐसा संपात है तो यहाँ पे ये परिवर्तन हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जो पंचांग का उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। आपको उसमें कोई इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये ऐसा है, आप बना रहे हैं, आप अपना करिए, उस बात से मैं उतना मत या मतभेद नहीं रखता। लेकिन आप कहो कि ये जो मैंने खोजा है ये अध्यारोपित हो जाए तुरंत, जो परंपरा चला रहा है उसमें परिवर्तन हो जाए, तो इस बात को मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि जो चला आ रहा है वो अपने उद्देश्य को, जो उद्देश्य है उसका, वो पूरा करता है। जी आर्य राजन जी बोलिए। जी गोविंद जी, एक बार अपना दूरभाष नंबर दे दीजिए, आपसे व्यक्तिगत कुछ वार्ता करूंगा। जी जी आप आर्य जी से अगर संपर्क है तो समूह में हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हमारी राजन, हाँ जी मैं दे दूंगा। जी जी ठीक। जी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे विभू जी ने बताया कि विक्रमादित्य जी ने शिफ्ट किया 15 दिन, तो उन्होंने उसका कारण बताया कि जो हमारे जो ऋतु में आए जो जो भी चीजें हैं, त्योहार वगैरह, जो मास के अंतर्गत आए, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। तो उनके पास एक रीजन था कि क्यों ये शिफ्टिंग हुई। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि महाभारत काल से अमांत और पूर्णिमांत है, तो इनके पीछे कारण क्या है कि ये जो अलग अलग मनाए जा रहे हैं, दोनों जो ये चीजें हैं अमांत और पूर्णिमा, दोनों साउथ और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग क्यों है? उनका कारण था कि भाई उनका राज्य था उत्तर में, तो इस वजह से उत्तर में प्रभाव हो पाया, तो एक वैलिड रीजन है। तो इधर आपका क्या मत रहेगा ये बताइए। हाँ, मैं इस पे उत्तर दे चुका हूँ, मैं फिर से उसको आपको बता देता हूँ। बात यह है कि जो गणना करने के लिए है, ज्योतिषी गणना के लिए, अमांत की गणना से जो जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो अमांत से गणना करना उपयुक्त होता है राधर देन पूर्णिमा से। तो इसलिए लोगों ने अमांत मास को इंक्लूड किया। जैसे पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, अभी आप सोचो कि जो अमावस्या है वो क्या है, सूर्य और चंद्रमा एक साइड में, पूर्णिमा क्या है, सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी का अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो पक्ष हो सकते हैं ना, कि एक कहे कि नहीं, हम महीना यहाँ से मानेंगे जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होंगे, दूसरा पक्ष ये कहे कि सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पृथ्वी के, हम वहां से मानेंगे। तो दो पक्ष इसी प्रकार निकले हैं। तो दूसरा यह है कि जो पूर्णमासी बोलते हैं, एक पक्ष ये कहता है कि जब पूर्णमासी हम कहते हैं तो मास तो पूर्ण शब्द में ही है, तो मास तो पूर्ण हो गया, तो मास पूर्ण होने का तात्पर्य है कि जो अगला दिन होगा वो या अगला महीना का होगा। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, अमावस्या से हम गणना करेंगे तो वो गणना के लिए उपयुक्त होगा। बस ये दो पक्ष है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा, जो कि मैंने आपको दिखाया कि रामायण में भी ये सिद्ध होता है कि दो पक्ष थे। केवल जो राजा लोग अपने नाम से सम्मत चलाते थे वो राजाओं के नाम से चले हैं, वो उसी सम्मत में जब उपाधि धारण करते थे या जब राज्य उनका सेटल हो जाता था तब उसी सम्मत में अपना नाम देते थे कि मैं इस सम्मत को अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप नहीं देखोगे साउथ में पूर्णिमांत वाला पक्ष चला हो कभी, या नॉर्थ में अमांत वाला चला हो, क्योंकि ये दोनों में वेल एक्सेप्टेड था, चल रहा था, दोनों लोग अपना अपना कर रहे थे। जी मतलब आपके कहने का आशय है कि अलग अलग गणनाओं के लिए यहाँ के जो भी ज्योतिषी थे, आचार्य थे, वो अलग गणनाएं वो उसको ले रहे थे अमांत को, सॉरी पूर्णिमांत को, और वो वाले साउथ वाले अमांत को ले रहे हैं, है ना? तो ठीक है, इसके पीछे ऐतिहासिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि नक्षत्र से ही मास का नाम दिया गया है, तो इसका जैसे गगन जी ने भी ये बात रखी थी, तो इसका कैसे मेजरमेंट किया जाए? जैसे आपने कुछ बताए थे डाटा कि विभू जी भी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी, जैसे हम, मैं बता दूं कि गोविंद जी ने कहा कि इन्होंने अपना पक्ष रखा कि नक्षत्र मास के नाम से जुड़े हुए, जो नक्षत्र होगा उसी के अनुसार मास के नाम होंगे। तो विभू जी आप इसमें कुछ प्रत्युत्तर देना चाहें, कुछ अपनी बातों का स्पष्टीकरण देना। इसके साथ ही तो एक महीने की शिफ्टिंग है, उसके उस पर भी प्रकाश डाले। जी जरूर, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर में जरा नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चुप कर गया।
नक्षत्रों के नाम, महीनों के चांद्र मासों के नाम, नक्षत्रों के साथ नाम। जी इनकी आवाज नहीं आ रही। विभू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग नक्षत्र रहे तो उन बिंदुओं से संबंधित पूर्णिमाओं पे वो नक्षत्रों का संबंध पर नहीं रह सकता। विभू जी आपकी आवाज चली गई थी, क्या आप एक बार फिर से अपनी बात को रख सकते हैं? मैं ये कह रहा था कि नक्षत्रों का संबंध मासों के साथ, चांद्र मासों के साथ सार्वकालिक रूप से स्थिर नहीं रह सकता। हमारे पास इस बात के वैदिक साहित्य में भी और ऐतिहासिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में स्पष्ट उल्लेख है कि अलग अलग कालखंडों में नक्षत्रों का अलग अलग बिंदुओं से संबंध रहा है। तो ऐसे में यह समझना चैत्र मास का पूर्णिमा का हमेशा ही किस तरह से नक्षत्र से संबंध बना रहेगा यह संभव नहीं है। ये कई हजार वर्ष पहले ये परंपरा से छूट चुका है, वास्तविकता में छूट चुका है। तो विभू जी मतलब आपके बात का मैं ये आशय लूं कि आपके अनुसार नक्षत्र स्थित नहीं है? देखिए ये भी, ये जो धारणा का ये मत कर रहे हैं ये भी पाश्चात्य द्वारा ही प्रसार किया गया है कि नक्षत्र में हजार वर्ष में ये परिवर्तन हो जाता है। तो वो पूर्णिमा वाली जो बात जी बबू जी कुछ अवश्य चर्चा करना चाहूंगा जिसपे आप कह रहे हैं कि ये विभिन्न समय में अलग अलग नक्षत्र को अलग अलग जगह कर दिया गया था, उसपे मैं बिल्कुल आपसे प्रमाण सहित चर्चा करना चाहूंगा, आप वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो जहां तक विषय है कि ये परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन इसीलिए अधिमास का कॉन्सेप्ट है कि परिवर्तन जो हो रहा है उसको वापस बैलेंस करने के लिए अधिमास का कॉन्सेप्ट है। अधिमास और छह मास आप देखेंगे तो वो उसी नक्षत्र के साथ ही मैच करता है। पुलकित जी आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो चाहिए तो फोन कॉल से जोड़ सकते हैं या फिर उन्हें ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, नक्षत्रों को नक्षत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्थिर है। नक्षत्र नक्षत्र जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया उनका कहने का तात्पर्य है कि ये स्थिर है क्योंकि उनमें जो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो करोड़ों वर्षों में भी उनमें माइक्रो रेडियन में भी परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए उनको नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र नक्षत्र जो स्थिर है, जिसमें क्षय ना हो, जिसकी गति में क्षय ना हो, जिसकी गति क्षीण ना हो, ऐसा कहा गया है। उनको चयन ही उसका इसलिए किया गया है तो वो स्थिर है। तो फिर अगर आप उनमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो फिर ये हट है। गोविंद जी क्या आप वो डाटा बता सकते हैं कि जैसे किस, जैसे बात की थी गगन जी ने कि हम मेजरमेंट किस आधार पे कर रहे हैं कि कौन सा नक्षत्र कब होगा, तो इसका कोई आपके पास मेजरमेंट हो तो अवश्य उपलब्ध कराएं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत सारे नक्षत्र
आपको मिल जाएंगे। अभी भी करंट ऑब्जर्वेटरी जो है वो भी उस चीज को करती हैं। आप नासा की वेबसाइट या वैसे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी जो ट्रेस करते हैं। मैंने उतना किया नहीं, बट ये है कि रिसेंट में जब एक दो घटनाएं हुई थी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, जब शुक्र बहुत विजिबल था किस नक्षत्र में था, तो सबसे जो होता है ओरियन जो बोलते हैं सप्तर्षि या सप्तारा इनके आसपास जब होता है तो वो समय की स्थिति बहुत इजीली ट्रेसेबल होती है। या फिर आप कह लीजिए चंद्रमा जैसे पूर्णिमा जब हो तो तब ट्रेसेबल नहीं होगा, लेकिन जब सप्तमी अष्टमी के आसपास होगा तब ट्रेसेबल होता है। तो कुछ कुछ स्टार्स हैं जो बहुत अच्छे से मतलब बिना टेलीस्कोप के भी देखे जा सकते हैं, तो उनको आप इजीली देख सकते हो। ऐसा कुछ मतलब आपको टेलीस्कोप सेटल नहीं करना है। आप क्या करिए, जब चंद्रमा सप्तमी अष्टमी में होता है या फिर इवन ये कह लीजिए अमावस्या बीतने के बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी का जब चंद्रमा होता है तो काफी दिखने लगता है, और ऐसे समय में या फिर मतलब चंद्रमा थोड़ा दिखता रहे और जो बैकग्राउंड स्टार्स है वो देखा जा सकता है इजीली, और वो स्टार्स की जो शेप है लोकेशन है वो आप आज के समय में देख सकते हो किस स्टार को क्या कहा जाता है, वो इसलिए आप देख सकते हो। उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने का, मतलब हमारे पास जांच का एक बिंदु है कि जैसे जो ये शिफ्टिंग है तो यहाँ से हम शिफ्टिंग को देख सकते हैं कि हम उस नक्षत्र को देखें कि वो नक्षत्र है या नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बोल रहा हूँ चंद्रमा के सापेक्ष तो इसलिए आप देख सकते हो, उसके आधार पे आप अन्य नक्षत्रों को उसी के क्रम में समझ लीजिए। तो बात यह कि हर एक को जैसे 27 नक्षत्रों को मापन करने की आवश्यकता नहीं है ना, 27 तो एक दूसरे से क्रमवारबद्ध है, एक को हमने ट्रेस कर लिया तो बाकी 26 ऑटोमेटिक फिक्स हो गए। जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो 13 मिनट जो 22 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा वो ठीक है। तो यहाँ पर अभी किसी और के प्रश्न हो तो रखिए। जी गोविंद जी, मेरा एक प्रश्न है कि नक्षत्रों में जो हम ये तारे देखते हैं वो आज के विज्ञान के हिसाब से प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं? और चूंकि अगर स्टार्स हैं तो स्टार्स के मूवमेंट काफी स्लो होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कई लाइट ईयर्स गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, स्टार्स भी हो सकते हैं, एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। तो चूंकि वही है कि इतने दूर हैं, वहां से इतना दूर से प्रकाश आ रहा है, तो अभी तक जैसे हम लोग गैलेक्सी की बात करते हैं, गैलेक्सी का सेंटर होता है वो 10^11 स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपको सेपरेट नहीं दिखेंगे, वो जब दिखेंगे तो एक एंटिटी जैसा ही दिखेंगे। तो कहने का तात्पर्य जब उन्होंने उसको तारा मान करके ही उसको नक्षत्र बोला है, प्लैनेट बोल के नहीं। जी, तो ये जो हम नक्षत्र आदि देख रहे हैं वो तो लाखों वर्ष पुराने उनकी स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि वहां से प्रकाश को आने में जैसा विज्ञान मान रहा है कि हो सकता बदल भी सकता है। जी करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि सभी नक्षत्रों की जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो अलग अलग है, परंतु क्या है कि सभी नक्षत्रों में एक बात ये कॉमन है कि जो डिस्टेंस है वो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, इतना है। तो भले ही उसमें आपस में कम ज्यादा डिस्टेंस हो, लेकिन वो इजली जो है इतना है स्टेबल कि पृथ्वी से तो वो स्थिर ही दिखे। जी, और गोविंद जी, इसका कोई शास्त्र प्रमाण है कि जो हमारे महीने हैं वो आपके नक्षत्रों के नाम से, कोई शास्त्र प्रमाण यदि है ऐसा तो आप दे सकते? शास्त्र प्रमाण के कई तरीके हैं, ठीक है। तो एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान होता है, एक शब्द होता है। तो शब्द कहने का तात्पर्य उसमें शास्त्र भी होता है और एक परंपरा भी होती है जो परंपरा से चली आ रही है, ठीक है। तो ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं वो तो है ही, और अगर कोई परंपरा से चली आ रही है, आप हो सकता है कह दो ये तो बहुत रिसेंट में शुरू हुई है, ठीक है, ये कहने को बहुत सारे लोग कह देते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज लिखित में नहीं है इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वो उसी टाइम शुरू हुई, परंपरा से अगर चली आ रही है, पंचांग बन रहा है तो वो उसका तात्पर्य वही है। महाभारत में इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, जो ये लोग इवन आप स्वयं सोचिए ना, ये तो संस्कृत का बेसिक कोडिंग वर्ड है, जैसे मघा नक्षत्र में अगर मघा से संबंधित किसी बात को बोलना हो तो उसको क्या बोलेंगे, मघा में अण प्रत्यय लगाएंगे तो माघ बनेगा, चित्रा में अण लगाएंगे तो चैत्र बनेगा,
तो वो तो असरल है कि संस्कृत से ही रूट वर्ड डिराइव होते हैं उससे संबंधित किसी बात को। जो अभी जैसे वसुदेव का पुत्र बोलना हो तो अंड लगाएंगे तो वासुदेव बोलते हैं, वो पहले अक्षर में वृद्धि हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब इसीलिए संस्कृत का जो व्याकरण है, कुछ लोग कहते हैं पाणिनि तो 2400 में थे, मतलब 2400 वर्ष पूर्व थे। तो अब ऐसे लोग के जो व्यर्थ धारणाएं हैं उसको हम क्या कहें, उस पर नहीं कर सकते कुछ। लेकिन ये सब बातें केवल हम लोग को डिस्करेज करने के लिए किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाणिनि से पहले व्याकरण नहीं थे, उससे भी पहले व्याकरण थे, लेकिन उसका आज रिटेन में साक्ष्य नहीं है। तो हम क्या ये कहते हैं कि वो व्याकरण ही नहीं थे? जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ नमस्ते, मैं सभी विद्वानों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद जी ने भी मृत्यु के समय पूछा था कि अभी कौन सी तिथि है, क्या सूर्य उत्तरायण में है, और भीष्म पितामह जी ने भी पूछा था कि अभी क्या उत्तरायण है, तो इसका महत्व क्या है, ये क्या चीज़ है उत्तरायण, और इसमें मृत्यु होने पर ऐसा क्यों माना जाता है कि कुछ अच्छा होगा? तो इस पे मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन क्या है कि जो आर्य समाज की बात आपने की और अन्य लोगों की, तो वो लोग इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे ना। तो बात यह है कि जो फलित ज्योतिष है उसके आधार पे ही इसकी व्याख्या है कि उत्तरायण होने पे जो है लोग स्वर्ग जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप डिनाई कर दो तो फिर मैं क्या एक्सप्लेन करूँ उसको? ये बात तो भीष्म जी ने कही है। जी जी गोविंद जी, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। मैंने मनुस्मृति में पढ़ा है ये, मैं गुरुकुल गया था एक बार, और यदि किसी के पास मनुस्मृति है तो देख सकते हैं कि उसमें उत्तरायण के विषय में, यदि उस समय मृत्यु होती है तो व्यक्ति को शायद मुक्ति या स्वर्ग ऐसा कुछ उल्लेख है। नहीं, मुक्ति का संबंध यदि हम अयनों से, ऋतुओं से, संवत्सरों से लेंगे तो ये तो बिल्कुल ये भ्रांत धारणा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और यदि ये रेफरेंस आपको मनुस्मृति में मिल रहा है तो हो सकता है कि प्रक्षिप्त भाग, इसको तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मुक्ति को किसी भी संवत्सर, अयन, ऋतु आदि से ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भ्रांत धारणा के अतिरिक्त शुद्ध भ्रांत धारणा है, कुछ और है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये असल में मैं गुरुकुल गया था दर्शन योग महाविद्यालय, तो रात को मनुस्मृति का वहाँ पे रोज ही क्लास होती है, तो वहाँ पे स्वामी जी बता रहे थे, लेकिन प्रक्षिप्त के विषय में उन्होंने बताया था कि ये प्रक्षिप्त भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। बात मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब आप हर बात को प्रक्षिप्त बोलना प्रारंभ कर देंगे तो फिर उसमें तर्क वितर्क करने का रह ही नहीं जाता ना। बात यह है कि जब आप किसी बात को सीधा डिनाई कर दिए तो वहाँ पे बात ही खत्म हो गई। अब अगर आपको वहां तर्क वितर्क यह करना है कि ऐसा होता है क्या, कुछ प्रभाव होता है क्या, तो वहां पे बातचीत किया जा सकता है। अगर आप सीधे नेगलेक्ट कर दिए फिर तो बात ही खत्म। जी मुक्ति ये विषय था या स्वर्ग था ये मुझे ध्यान नहीं स्वर्ग, है स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, 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 स्वर्ग रहा, मुक्ति नहीं रहा। स्वर्ग में मुझे आपत्ति नहीं क्योंकि स्वर्ग सुख विशेष का नाम है और प्राणों का संबंध, यदि प्राण आदि का उत्सर्जन या उसका ग्रहण तो परमात्मा की व्यवस्था में होता है, लेकिन यदि उत्सर्जन को देखें तो वो क्योंकि ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। स्वर्ग को स्वीकार किया जा सकता है और उसके पीछे गंभीर तथ्य भी हो सकते हैं। तो अभी जैसे जो विषय है जो ना आप पौराणिक बोल रहे हैं या फिर लोग बोल रहे हैं, तो पुराणों के ही अनुसार जो दक्षिण दिशा है वो यम का दिशा माना जाता है, ठीक है। इवन आप जब रामायण में भी देखेंगे तो दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात भरत जी या फिर राम जी ये लोग जब स्वप्न देखते हैं तो वो देखते हैं पिताजी को दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर ले जाने जाए का अर्थ कि नरक अर्थात यम लेके जा रहे हैं, तो इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर ले जाने का अर्थात स्वर्ग था। तो ये टर्मिनोलॉजी है, आप उसके विषय में समझना चाहें, उसके पीछे क्या विज्ञान है वो अलग विषय है कि उस पर खोज करें या फिर उसको किसी चीज से रिलेट करें, उसकी व्याख्या करें, परंतु ये जो इस्टेब्लिश टर्मिनोलॉजी वो मैं बता रहा हूँ। और इसी धारणा को मान करके भीष्म जी ने उत्तरायण में देहावसान किया क्योंकि वो तो अजेय थे काल से भी, तो उन्होंने प्राण वहां पे योग क्रिया द्वारा छोड़ा है और बोला कि अब उत्तरायण लग गया है, अब तो मैं अभी छोड़ता हूँ अपने प्राण युधिष्ठिर जाने के लिए। जी, और ये भी माना जाता है कि वो भीष्म पितामह काफी बड़े शास्त्रों के विद्वान भी थे, ज्योतिष आदि शास्त्रों पे काफी अच्छे उनका पकड़ था।
वही नहीं, सभी होते थे। आप मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जैसे पढ़ेंगे ना, जितने भी हमारे पहले के गुरुकुल से लोग पढ़े होते थे उन्हें सब विषय का ज्ञान होता था। अभी श्री कृष्ण बोलते हैं जैसे मौसल पर्व में जब आया है ना, तो जब प्रभास में युद्ध करने वाली सिचुएशन आती है, ये प्रभास में जाना होता है या कह लीजिए श्री कृष्ण के जाने का समय होता है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो अभी चतुर्दशी का क्षय हो गया है, और ऐसी ही सिचुएशन महाभारत के समय में हुई थी। तो ये बात श्री कृष्ण बोलते हैं, बोलते हैं कि राहु के द्वारा चतुर्दशी का क्षय हो गया। तो अब ये बात मैंने जो मैं आरेश जी आपसे बता रहा था कि विनय कुमार झा जी हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया wiki.com करके, तो उसमें मैंने ट्रेस किया इस बात को और मुझे मिला कि मतलब जब मौसल पर्व है, जो अभी इस्टेब्लिश्ड कलयुग का प्रारंभ है 3102 BC, वहां से मैंने ट्रेस किया कि जब श्री कृष्ण ने देहावसान किया था उसके एक महीने पहले चतुर्दशी का क्षय हुआ है, और उसमें दिखाते हैं वो चतुर्दशी का क्षय है। और जब महाभारत के समय में ट्रेस किया मतलब इसी के बाइक ट्रेस कैलकुलेशन से, तो उसमें अमावस्या का क्षय हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो महाभारत में गणनाएं मेंशन है ऐसा ही मतलब रैंडम नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा जिसने मान लीजिए आप कह लो को प्रक्षिप्त है, तो अगर प्रक्षेप करने वाला रहा भी होगा कोई, तो वो एटलीस्ट इतने हजार वर्ष पूर्व जाकर के उसकी गणनाएं कैसे बता सकता है कि ये छह हुआ है उस समय। गोविंद जी, यद्यपि आपका कथन ये है कि गणना कैसे बता सकता है, तो देखो प्रक्षेप करने वाली जो भी कोई सत्ता है वो सीधी सी बात है कि वो विद्वान है, और विद्वान ही प्रक्षिप्त कर सकता है उन स्थितियों को। तो जब वो उस विद्या का विद्वान है तभी तो प्रक्षिप्त कर पाएगा ना उनमें। ये खैर इसको तो यही छोड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि पौराणिक आख्यान है स्वर्ग को लेकर के उत्तरायण में प्राण त्यागने को लेकर, प्राण त्यागने से संबंधित। भले ही पौराणिक आख्यान हो लेकिन आप रखिए, कम से कम हमारे सामने तो आए। देखिए पौराणिक आख्यान हो चाहे वो अन्य कोई आख्यान हो, इनमें यदि सत्य को स्वीकार करने की स्थिति नहीं है तो फिर वो भी ऐसे झगड़ते रहेंगे और हम भी ऐसे झगड़ते रहेंगे। आख्यान भले ही कोई हो, सत्य का निर्णय हमें अपनी बुद्धि से विवेक से करना चाहिए, और वो कम से कम अगर सुनने की भी स्थिति नहीं है तो वो एक गलत स्थिति होगी। मैं जरूर चाहूंगा कि यदि आपको इस विषय में कुछ ठीक जानकारी है, कोई आख्यान आपके पास इस प्रकार का उपस्थित है, तो आप रखिए ताकि हमारे सामने एक बार स्पष्ट तो हो कि आखिर है क्या, कहना क्या चाहता है इस विषय में, कुछ क्या दर्शन है, क्या दृष्टि है। देखिए राजन जी, ऐसे बहुत सारे व्याख्यान हैं जो आर्य समाज में लोग बोलते हैं, और जैसे मैं एक प्रकरण बताऊं, अभी मैंने रिसेंट में ही पढ़ा, तो क्योंकि मैं आर्य समाज वालों से बहुत सुन चुका था तो इसलिए मेरा ध्यान उस पर विशेष रूप से गया। तो आर्य समाज वाले जैसे ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां नहीं थी या 8 पट रानियां नहीं थी, वो वेद को फॉलो करते थे इसलिए उनकी केवल एक रुक्मिणी जी थी। तो महाभारत में ही सत्यभामा का भी उल्लेख है। महाभारत में एक प्रसंग में जब श्री कृष्ण और राजदूत बन के जाते हैं युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में, तो वहां पे जब भीष्म आदि चर्चा कर रहे होते हैं तो वहां पे वर्णन है कि उन्होंने नरकासुर को मार करके एक हजारों जो कन्याएं थे उनके साथ विवाह किया है। तो अब आप इसको कहेंगे महाभारत में इसका उल्लेख ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो बातें लोग बोल देते हैं बिना पढ़े, तो उन बातों से मेरी आपत्ति होती है कि आप ठीक है बोलिए, लेकिन प्रमाण के साथ कम से कम ये तो मत करिए कि महाभारत में मेंशन नहीं। महाभारत में मेंशन है, वो बात आपने वो चीज को नहीं लिया तो अलग विषय। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण है जिसको आप सीधे सीधे मना कर देंगे कि ये प्रक्षिप्त हो गया, तो ठीक है आपको कहना कही है, लेकिन अब प्रक्षिप्त कह देने मात्र से हर बात जी। इसी पर रखिए कि उत्तरायण में प्राणोत्सर्ग के पीछे का विज्ञान का है, वो पौराणिक आख्यान रखिए, वो जानना चाहते हैं। महाभारत स्वयं बता रहा है कि उसमें उत्तरायण में भीष्म प्राण त्यागते हैं स्वर्ग की इच्छा से, वो
आपको बताते हैं, वो तो पुराण तो उनसे ही संबंधित है, जो भी आगे करेंगे वो उसी का आगे व्याख्या करेंगे अपने हिसाब से। बहुत सारा धन्यवाद। एक बात आपके पिछले वाले जो आपने बात कही कि अगर उसमें नहीं है और बाद वाले में मिलता है तो उसको हम सीधा नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जांच परख होनी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण से सरलता से समझ सकते हैं। वर्तमान समय में भारत देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, मोदी जी के समकालीन मोदी जी से संबंधित या भारत देश से संबंधित जो इतिहास होगा वही प्रामाणिक होगा। इसके 200 वर्ष पश्चात 500 वर्ष पश्चात यदि कोई कुछ लिखेगा तो उसको उतना प्रामाणिक नहीं माना जाएगा जितना कि तत्कालीन तत्समय में लिखा गया इतिहास। ठीक ऐसे ही जिन लोगों का ये रहता है ना कि भाई महाभारत में नहीं है तो हम नहीं मानते, तो उनके पीछे उनका तर्क, मेरा भी स्वयं का ये तर्क रहता है, क्योंकि प्रामाणिक उसी काल का माना जाता है जिस काल में वो स्थितियां घटित हो रही थी। आग्रह नहीं है यहाँ पर, ये हट नहीं है यहाँ पर, बस तर्क ये है क्योंकि अब कोई 200 साल बाद कहे कि नहीं मोदी जी के ना मोदी जी ने ये किया था, कुछ भी अगर वो कहे, अब उसको किस आधार पर, क्या वो मतलब उसके पास ऐसा क्या मिल रहा है 200 साल बाद कि वो कह रहा है कि भाई ये सत्य है, और 200 साल पहले जो उनके समकालीन व्यक्ति हुए उनको ऐसा क्या नहीं मिला कि जिन्होंने उसको मेंशन नहीं किया। सब कुछ मेंशन नहीं किया जा सकता, आई एग्री विद यू, लेकिन इसके पीछे बस तर्क ये है क्योंकि समकालीन इतिहास ही प्रमाणिक माना जाता है। जी मेरा विषय समकालीन पे है, महाभारत में भी अगर आप प्रक्षिप्त देखोगे तो कैसे बताओगे कि ये वाला श्लोक प्रक्षिप्त है और ये वाला नहीं प्रक्षिप्त है? उसके आप जो क्राइटेरिया लगाते हो हर एक श्लोक पे वो नहीं लग सकता। तो ऐसे ही ज्योतिष वाले जो जो घटनाएं वर्णित है मैं कुछ कुछ कलेक्ट किया था, अगर इच्छा हो तो मैं कुछ दिखा सकता हूँ आप लोगों को उस पे जो गणनाएं मैं कलेक्ट किया था। अभी हालांकि मैं पूरी तरीके से उस पर नहीं कर पाया, लेकिन मैं कुछ बताता हूँ जिसपे मैं कुछ कुछ उस पर कर रहा हूँ कि ये कैसे मैच होगा। तो जैसे एक दिख रहा है ये? जी जी दिख रहा है अच्छे से। तो जैसे मौसल पर मैं ये मैंने आपको बता ही दिया कि अध्याय 2 श्लोक 18-19 में चतुर्दशी का छाया बताया गया है, और उसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा ही महाभारत के समय हुआ था। तो वो दोनों मैंने के जो विकी डॉट है उनसे मैच किया और मैच करते हैं। मौसल पर में जो है 36 वर्ष वो बोलते हैं 36वें वर्ष में महाभारत हुई थी, मतलब महाभारत के 36वें वर्ष में ऐसी घटना है, और जब 36वां वर्ष लगा तब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। तो 36 ईयर यानी कि वो 35 वर्ष पहले जा करके फिर मैंने चीजों को ट्रेस किया और देखा कि महाभारत के समय में अमावस्या का क्षय हुआ था, चतुर्दशी का नहीं। तो उन्होंने कहा था ऐसा हुआ था, ऐसा होने का मतलब है कि एक तिथि का क्षय हुआ था, वो कृष्ण पक्ष ऐसा कह गया। तो दूसरा अनुशासन पर्व में ये है कि महाभारत के 50 दिन के बाद भीष्म जी वहां पे त्याग करते हैं प्राण। श्लोक 27 में का जब गिरते हैं उससे 58वें दिन ऐसा है। वो भी ये बताते हैं श्लोक 28 में कि वो माघ मास है, ठीक है, शुक्ल पक्ष है। तो और बोलते हैं अब वहां पे उन्होंने लिखा है कि त्रिभाग शेष है, कि जो पता नहीं पक्ष का त्रिभाग शेष बोला है या फिर मंथ का मास का त्रिभाग शेष बोला है, तो उसके आधार पे अगर पक्ष का त्रिभाग शेष बोलेंगे तो मैच करता है, जो जिससे मैं एनालिसिस कर रहा था, मास का त्रिभाग शेष बोलेंगे तो नहीं मैच कर रहा। तो वही एक इंटरप्रिटेशन फिर अपने परिप्रेक्ष्य से हो जाता है ना, कि आप जो चला रहा है फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उद्योग पर्व में जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए जा रहे हैं, ये है शांति दूत बन के जा रहे हैं हस्तिनापुर की सभा में, तो वहां पे लिखा है कि कौमुदी मास है। तो कौमुदी कहने का तात्पर्य है कार्तिक मास में, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो ये कहा जाता है कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उसमें कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो अब कोई कहे कि नहीं कौमुदी तो बहुत रिसेंट की घटना है और ये केवल मौर्य काल में या उसके बाद ही मेंशन मिलता है, या फिर रिसेंट में 16वीं 17वीं शताब्दी में मिलता है, तो फिर उस बात में मैं बिल्कुल उस बात पे ऑब्जेक्शन लूंगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कौमुदी महोत्सव पहले भी हुआ करता था, क्योंकि ये बात मेंशन है महाभारत में कौमुदी मासे।
तो कौमुदी मास कहने का तात्पर्य कार्तिक मास से है, वहां पर उसका अर्थ भी उन्होंने वैसा लिया। बोला रेवती नक्षत्र है, शरद का एंड हो गया। अब देखो जैसे अभी बोल रहे थे ना, हाँ ऋतुओं का महीनों से संबंध, तो वहां पे कार्तिक मास में एंड ऑफ शरद उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। दूसरा बात यह है कि जब हेमंत का प्रारंभ होता है उसका उन्होंने लक्षण कुछ कुछ बताए हैं, जैसे कि ना बहुत अधिक गर्मी है ना बहुत अधिक ठंडी है, ठीक है कि चारों ओर ऐसा हो गया है ये दिख रहा है, वो स्पष्ट वर्णन करते हैं कि ऋतु का ऐसा है। तो अब आप देखो कार्तिक मास लगभग मैंने ट्रेस किया था तो द्वादशी शुक्ल द्वादशी या त्रयोदशी शुक्ल पे ऐसा रेवती का जो है नक्षत्र का आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋतु का तब भी कॉन्सिडेंस था नक्षत्र के साथ, और ये जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ मास आड़ मानते हैं उस मास के नक्षत्र के और ऋतु के जो कंजंक्शन है वो तब भी कार्य कर रहा था और आज भी कर रहा है, ये महाभारत में मेंशन है। और उन्होंने मतलब हस्तिनापुर पहुंचने से पहले एक रात्रि व्यतीत की और फिर अगले दिन सभा में गए, फिर एक रात बीतने के पश्चात अगले दिन जब जाते हैं मतलब तो वहां पे सभा में होता है दुर्योधन बंदी बनाने के लिए बोल देता है, ये सब चीजें आती हैं। तो वहां पे शिव नक्षत्र बोला है, तो शिव नक्षत्र कहने का तात्पर्य वहां शिवा नक्षत्र बोला है, तो शिवा नक्षत्र कहने का तात्पर्य आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो जो मेरे समझ में आया भरणी नक्षत्र पहुंच रहा था, रेवती के बाद आप देखेंगे अश्विनी भरणी, तो दो रातें गई तो चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में होना चाहिए, तो भरणी नक्षत्र को योनि से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे शिवलिंग है तो शिवलिंग और उसके साथ में योनि रिप्रेजेंट की जाती है जो नीचे वाले उसको योनि बोलते हैं। अब उसको आप लोग जेनाइटल से मत लेना, बट कहने का तात्पर्य उसका शेप से है, तो योनि से पार्वती जी को रिप्रेजेंट किया जाता है, शिवा पार्वती जी को कहा जाता है। तो ऐसे अगर आप उसको मैच करेंगे बातों को इंटरप्रेट करके तो वो मैच होती है उस बात। तो यहाँ पे उद्योग पर 142 अध्याय में मार्क्सिस्ट मंत्र का और फिर बोला है मतलब सातवें दिन के अमावस्या तक युद्ध प्रारंभ करने के बारे में सब बोला, कुछ कुछ ऐसे वर्णन बोले हैं। और दूसरा है पुष्य नक्षत्र में दुर्योधन ने अपनी सेना को कुरुक्षेत्र में चलने का आज्ञा दे दी, तो ये सब चीजें बोला है वहां पर। तो अब हर बात को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते, जो जो चीजें देखो रामायण में जो ज्योतिषी घटनाओं का वर्णन है या फिर महाभारत में जो ज्योतिषी घटनाओं का वर्णन है अगर वो ट्रेसेबल है तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और प्रक्षिप्त बोलना तो फिर व्यक्ति जो है वो फिर उसका हट है। जी गोविंद जी, अच्छा मेरा एक इसमें ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पे एक हेली डिबेट होना चाहिए, वाद होना चाहिए, ताकि हमारे सनातन धर्म में ये खासियत रही है कि जो सत्य है उसको स्वीकार करते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं, इसीलिए हम सनातन धर्मी है। तो नए मतपंथ संप्रदाय आदि न बने हमारे राष्ट्र में, और वास्तविक जो सत्य को मानते वही आर्य है, तो इस पे ये डिबेट होना चाहिए, और आपस में ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से द्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। दोनों पक्ष में होता है ये सर, कई बार आर्य समाजियों में हो जाता है और कई बार जो आर्य समाज को नहीं मानते इनमें हो जाता है, मैं तो दोनों को मानता हूँ, मैं अपने विषय में बता रहा हूँ। तो इस पे बात रखिए, बोलिए पुलकित जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी विभु जी यात्रा पर हैं तो उनके नेटवर्क की समस्या थी तो उनका पक्ष हम नहीं जान पाए ठीक से, जो एक महीने की शिफ्टिंग थी वगैरह, तो एक और डिबेट आयोजित करेंगे कुछ समय में, जब भी सभी फ्री होंगे, जब सभी को समय होगा उसी समय उस सभी से समय लेकर ही उसको निर्धारित समय पर तय करेंगे। तो होगा क्या कि आज तक की जो बात हो गई अब इससे आगे की बात हम अगले डिबेट में करेंगे जिससे एक निष्कर्ष निकले, अभी निष्कर्ष नहीं निकला है तो वो निष्कर्ष निकालने के लिए एक और डिबेट जरूरी होगा। आप सभी जुड़े, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा हुई, और कोई कुछ अपना कोई बात रखना चाहे तो रखिए, उसके बाद हम समापन करते हैं। जी पुलकित जी, मेरा एक कहना रहेगा कि जब भी आप ऐसे डिबेट रख रहे हैं तो जो पक्ष या विपक्ष की जो बातें हैं जिस बात पे क्लेरिफिकेशन हो रहा है वो आप लोग डॉक्यूमेंट करते जाइए, तो इससे क्या होगा कि जब भी उसको पक्ष विपक्ष में जो भी जिस बात पे कंसेंसस नहीं बनेगा तो ये रहेगा कि पिछले आपने ऐसा कहा था आपने ऐसा कहा था, तो वो चीज जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे चाहिए उसके लिए
बोलने के बाद वो थोड़ी देर रुके, एक आध दो मिनट चलेगा, डॉक्यूमेंट करने में जो समय लगेगा उसको नोट करें चलेगा, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट करते चलिए कि ये हम इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ऐसा है, और जो पीपीटी और उसके माध्यम से है तो वो भी रेफरेंस में आप साइट करते चले, तो इससे क्या रहेगा कि एटलीस्ट जो डिबेट का कंक्लूजन होगा वो कुछ पॉजिटिव निकलेगा। जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका, मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। वह इसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग हमने की है, हमारे साथियों ने की होगी, तो रिकॉर्डिंग में से मैं उसको डॉक्यूमेंट भी कर लूंगा जिससे आगे अगली डिबेट में वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। जी लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये मैं मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अपने चैनल पे डाल दूंगा, देख लेना। नहीं, बात सिर्फ रिकॉर्डिंग की और देखने की नहीं है, बात है उसमें जो फैक्ट्स, जिन जिन फैक्ट्स पे बात हुई है, जिन्होंने जो जो बोला है उसको भी आप लोग रिकॉर्ड करो डॉक्यूमेंट में, वो अच्छा तरीका होगा। जब भी किसी पक्ष को आप कुछ विवरण देने के लिए देते हो तो आप एटलीस्ट उसको बैक के लिए दे सकते हो, वो इन इन विषयों पर थोड़ा सा अपना प्रेसअप करके आए अगर कुछ उसको संदेह है। जी बिल्कुल, गोविंद जी ने ठीक कहा है, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली जो चर्चा हो हम पुरानी बातों को ना दोहराएं। पुलकित जी ने काफी अच्छा कार्य किया और मैं चाहता हूँ ऐसी चर्चाएं आगे भी होती रहे ताकि बहुत सारे आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो लड़ाई होने से नहीं होगा और बात हो तो ताकि एक निष्कर्ष पे लोग पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े, बहुत अच्छी चर्चा हुई, धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। सबको नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी उत्तम सार गर्भित चर्चा रही, चर्चा करने के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद।